सुपर अलग सुपर अलग सुपर अलग सुपर अलग सुपर तो पवन जी माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट म्यूट और अनम्यूट का ध्यान रखें। जी जी साथियों, तो ये जो नाम अभी आपने सुना है एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके बदन के बाल खड़े हुए हैं, जिनको घूस बम आया है? मुझे आया है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं तो मुझे आया है। ये भारत की ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसमें ऐसे ऐसे लोगों का कैरियर बदला है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम पवन कुमार राय है और बिहार के एक जिले से मैं बिलोंग करता हूं जिसका नाम वैशाली है। और मैं भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत दिनों से अपने कैरियर को आजमा रहा था, अपने किस्मत को आजमा रहा था। मैं आदमी वही था, मुझ में कोई बदलाव नहीं था। जो मैं पिछली कंपनी में था वही यहाँ भी हूँ, लेकिन पिछली कंपनी में मैंने धक्का खाया है और यहाँ मैंने कुछ अचीव किया है। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि मुझ में कोई खासियत नहीं है, खासियत एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्लान में है, इसके प्रोडक्ट में है। और जिस तरह का लीडरशिप हम लोग लेके आते हैं, जिस तरह का लीडरशिप, जिस तरह से पारसनाथ उराव सर है, संदीप यादव है, ये जो लीडरशिप है जो हमें गाइड करती है कि किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ये मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं और आपको मिलने वाली है। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अभी इस मीटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, मीटिंग में आगे सीखने के लिए, समझने के लिए और शानदार लीडर से मिलने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप सिर्फ लिख के भी बता सकते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। और दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो हम वक्त को जाया ना करते हुए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आप आगे 1 से 1.5 घंटे हमारे साथ रहेंगे, आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे बीच आज बहुत ही जबरदस्त विस्फोटक सामग्री है। हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभावों में थे और उन्होंने यहाँ आके एक बड़ा तहलका, बड़ा क्रांति लाया है। हमारे बीच ऐसी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, जो महिलाएं जो गांव में रहती है, घूंघट में रहती है, वहां से अपने कदम बाहर निकाल के आज भारत को इन्होंने ये दिखाया है कि महिला भी घर से बाहर निकल के डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कर सकती है। और ये सारे लोग आज आपके बीच उपस्थित होंगे, तो क्या इनको सुनने के लिए आप तैयार हैं? आप एक्साइटेड हैं? आप जोश से भरपूर हैं कि आप इनको सुने और अपने जीवन में ढाल के अपने बिजनेस को बेहतर बनाए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं एक बार अपने जगह पे सभी लोग सुपर एलेक्स बोल के सुपर एलेक्स सर, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स सर, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स सर, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स सर, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स सर। बड़ा मजा आ रहा है। तो माइक अनम्यूट करें, ध्यान रखें। पवन जी, पिछले 1.5 महीने से हम जो घर में बंद थे और आज जो ये मौका मिला है ना दोस्तों, एकदम ऐसा लग रहा है कि बड़ा जोश से भरपूर है। आपका सुपर एलेक्स जैसे ही कान में आ रहा है दोस्तों, एक नया उमंग, नया ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होता जा रहा है। दोस्तों आज समय ना जाया करते हुए सर्वप्रथम हम लोग आज यहाँ प्लान समझेंगे, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट टिप्स, और सबसे बड़ा हमारे महागुरु, गुरुओं के गुरु हमारे पारसनाथ उराव सर जो हमारे आज चीफ गेस्ट है, उनसे हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार वो है साथियों जो मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते 50,000 रुपए का इनकम आज भारत में एक अच्छी अच्छा स्टेटस रखता है। दोस्तों अगर कोई इंसान 50,000 रुपए का अर्निंग करता है तो गांव में, समाज में, अपने इर्द गिर्द उसको एक अच्छे नजर से देखा जाता है वैसे व्यक्ति को। तो दोस्तों आज हमारे जितने भी शूटिंग स्टार हैं ये सारे 50,000 से ऊपर की आमदनी लेने वाले लोग हैं, और हम समय जाया ना करते हुए आपको सीधे सीधे लिए चलते हैं हमारे शूटिंग स्टार्स की तरफ, जिसमें सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा, मैं विनती करूंगा कि ये आए और जो समय इनको दिया गया है उस समय में आप सभी से मुखातिब हो। मैं आपके जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं हमारे बड़े ही शानदार, जबरदस्त, डायनेमिक लीडर मिस्टर देव जी से। आप सर प्लीज आए और हमको सर अपने शब्दों से अनुग्रह करने की कृपा करें। वेलकम सर, इट्स योर टर्न, द स्टेज इज योर्स। सर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमें मार्गदर्शन दें। जी देव सर। यस सर, थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया आज का मीटिंग में दो शब्द रखने के लिए। और मैं सभी लीडर और इलेक्शन को
तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा महामारी के वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें भी लोग आज तन मन से लगे हुए हैं और एलेक्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी एलेक्सियन शुक्रगुजार हैं और हम लोग को भी एलेक्स कंपनी के प्रति शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी आज इतनी अच्छी है कि जिसका बखान करना हम लोगों का बस का बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा प्रयास करता हूं आज एलेक्स के प्रति बताने के लिए। तो आज हम लोग जो इस जूम मीटिंग के तहत हम सभी एलेक्सियन जुटे हैं, एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, तो ये एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि महज मात्र 3 साल से चल रही है और इस 3 साल में ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि बहुत सारी कंपनी को अभी भी सोचना पड़ रहा है सर। और हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम लोग मनचाहे अपना सपना को साकार कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोगों को वाकई में जितना यहाँ पे सहयोग मिलता है, या तो प्रोडक्ट दृष्टिकोण से, या तो प्लान के दृष्टिकोण से, या तो लीडरों के तरफ से, हमारे बीच में कई एक डॉक्टर हैं जैसे डॉक्टर संदीप यादव जी हुए, जया डावर जी हुए, पंकज कुमार जी हुए, आज मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और हम लोग सीख पा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां आज 13 साल 14 साल 20 साल से चल रही है लेकिन उसका भी स्थिति देखिएगा जाके तो लगता है कि बंद होने के कगार में है, लगता है कि आज ना कल बंद हो जाएगी। लेकिन आज हमारी कंपनी हमको तो लगता है कि पहले से बेटर और अच्छे जगह पे ग्रो कर रही है। हाँ, थोड़ा सा समस्या जरूर हो रहा है और उसी समस्या को हम लोगों को हंसते हुए निकलना है और ये समस्या नहीं है क्योंकि हम लोग इस समस्या में भी हम लोग का कंपनी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो समस्या कहाँ, समस्या तब कहा जाता है जिसमें कंपनी कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ तो देख रहे हैं लीडर का पे आउट भी बढ़ रहा है जो काम कर रहे हैं। हाँ, जो लोग काम नहीं कर रहे नहीं आ पा रही है सर, एक बार चेक कर ले। हेलो, आवाज आ रही है कौन जी? आ रही है, आपका आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था सर कि जो लोग काम कर रहे हैं उसका पे आउट भी देखिए बढ़ रहा है, उसका काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो काम नहीं करेंगे तो उसका पे आउट कैसे आएगा? तो दोस्त, आज का डेट में जो काम करना है हम लोगों को केवल ऑनलाइन, जैसे कि अभी हम लोगों के बीच में ऑनलाइन कैसे करना है, फेसबुक में कैसे अपने आपको अप टू डेट रखना है उसके बारे में भी बताएं और उसी सिस्टम को हम लोगों को अभी अपनाना है। जैसे सीएमडी सर से भी हम लोगों का मीटिंग होती है तो सीएमडी सर कहते हैं घर से बाहर जाने का जरूरत नहीं है, पहले आप सुरक्षित रहो तब दुनिया सुरक्षित होगी। तो हम लोग को उनका भी बात को केयर करते हुए हम लोगों को अपना काम को करते रहना है। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, ना जाने कितना ऑनलाइन पोर्टल है, सब पोर्टल को जो भी यूज करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए और उसमें अपना बिजनेस को डेवलप करने का मैक्सिमम प्रयास कीजिए। आज कंपनी भी हम लोगों के साथ में साथ दे रही है, सब कंपनी हाथ धरे बैठी हुई है लेकिन हम लोगों का कंपनी कहती है कि हम ऑनलाइन पोर्टल जारी कर रहे हैं जिसमें आप एलेक्स का प्रोडक्ट को घर बैठे बेच सकते हैं। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कंपनी की तरफ से सपोर्ट? आज देखिए 14 साल 15 साल 20 साल 50 साल पुरानी कंपनी ये सब बात सोच में भी नहीं लाया है और हम लोगों का मात्र ये 3 साल की कंपनी ये सब बात को ले लाई है कि ऑनलाइन मार्केटिंग अब होना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑनलाइन सीखो। जो गांव देहात में है, जो मोबाइल चलाना नहीं जानता था, उसको ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। तो इससे बड़ा शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक कहां पे मिलेगा शिक्षा? तो ये कंपनी एलेक्स का एक खासियत है। तो एलेक्स में वाकई में खासियत को गिनते गिनते थक जाइएगा लेकिन मेरा मानना है दोस्त, आज नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, लीडर भी हैं, सबको मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि यहां पे किसी भी कंपनी को आप काम करते हैं तो 3 चीज का होना जरूरी होता है। यहाँ पे वो तीनों बहुत ही स्ट्रोंग है। जैसे पहले होता है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल आप लोग सभी को जानते हैं, आप लीडर भी हैं, नए लोग भी हैं, तो प्रोफाइल आज हमारी कंपनी का डॉक्यूमेंट एक होता है प्रोफाइल में। तो डॉक्यूमेंट में क्या है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट है जिससे हम इंडिया में क्या विदेश में भी काम कर सकते हैं, ऐसा सारे डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है एडमिन, कैसे कैसे लोग हैं प्रोफाइल में।
तो कैसे कैसे लोग हैं तो आप देख ही रहे हैं, सीएमडी कितना हम लोगों का सपोर्टिंग माइंड वाले हैं, डॉक्टर लोग हैं और एडमिन डिपार्टमेंट जब भी हम लोग कॉल उल करते हैं रिसीव होता है। मैंने बहुत दूसरे कंपनी में भी ट्राई किया, जल्दी रिसीव नहीं होता है फोन, यहाँ पे एकदम एक बार में दो बार में रिसीव होता है और आपका समस्या का समाधान होता है। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे प्रोफाइल है। दूसरा बात है कि प्रोडक्ट आप लोग देख ही रहे हैं, आज तक का जितना भी MLM इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट को उठा के देखिए, इससे क्या है, प्रोडक्ट तो बहुत है लेकिन अगर किसी का रिजल्ट है तो इतना महंगा है कि हम उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और किसी का तो अगर प्रोडक्ट हम लोगों का रेट का है तो उसमें रिजल्ट का नाम नहीं है। तो वाकई में हम लोगों का प्रोडक्ट में रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और आज रिजल्ट के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मेरा मानना है सबको अपना अपने क्षेत्र में कई एक रिजल्ट देख चुके होंगे, जिसका रिजल्ट 10 साल 12 साल 15 साल एलोपैथ भी नहीं दे पाया था, वैसा वैसा रिजल्ट आज यहाँ पे एलेक्स का प्रोडक्ट ने दिया है। तो रिजल्ट के बारे में भी बताने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात रेट का बात, तो रेट हम लोगों का प्रोडक्ट का रेट ऐसा है जिसको आप मार्केट का प्रोडक्ट से भी अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम लोगों का MLM का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हम लोगों का सस्ता है। जैसे हम लोग का घर में प्रत्येक घर में यूज होती है सोप, बाथिंग सोप, तो बाथिंग सोप में मैं एक दो सोप का उदाहरण लेना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए हम लोगों का लेमन सोप है, तो लेमन सोप आज हम लोगों को 24 रुपए में मिलती है और सेम कैटेगरी का लिरिल मार्केट में आता है, वो लिरिल का रेट है 30 रुपया, और लिरिल का 30 रुपया होने के बावजूद भी उसका वजन है मात्र 75 ग्राम और हम लोगों का लेमन सोप जो है उसका वजन है आपका 100 ग्राम और मात्र 24 रुपया मिलता है। इसी तरह से आपका लक्स इंटरनेशनल है मार्केट में 75 ग्राम का, उसका रेट है 30 रुपया और हम लोगों के पास में लक्स का कैटेगरी का साबुन एकदम उससे भी बेटर, और लक्स आपका है जो टॉयलेट सोप है, हम लोगों का बिल्कुल बाथ सोप है जो कि रोज सोप, रोज ब्यूटी सोप, जिसका मात्र 100 ग्राम का मात्र 24 रुपए रेट है। इसी तरह से आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट ले तो वहां भी देखिएगा रेट का तुलना करके, तो हम लोग जैसे खाद मान के चलिए एक एकड़ में 2 ट्रैक्टर मिनिमम अगर छिड़काव करते हैं गोबर खाद, तो उसका रेट आज 5,000 रुपए मिनिमम लगता है, लेकिन उस गोबर खाद ना देके अगर हम लोग एलेक्स का खाद, 3 प्रोडक्ट आता है, उस तीनों प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूज करें तो मात्र आपका मैंने 1500 आसपास में आपका हो जाता है। तो समझिए रिजल्ट भी उससे 2 गुना, और साथ साथ आपको यूरिया DAP फर्स्ट टाइम से ही आपको माने 30-40% कम देने का जरूरत है। बहुत सारे किसान को मैंने कहा था, यूज कराया, बोला कि 30-40% आपको यूरिया DAP न के बराबर किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि आज लोग बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा समय का भी सर ध्यान दिया जाए। एकदम सर, एकदम कंटिन्यू करें सर। तो बिल्कुल समय का अभाव है, चलिए प्रोडक्ट में हम लोग, तो प्रोडक्ट में बिल्कुल सस्ता भी है और रिजल्ट भी है। और तीसरा आता है प्लान, प्लान आप लोग देख रहे हैं हम लोगों का जो प्लान का डिजाइन किया गया है, अभी 2 लेग का प्लान है और पहले 8 था, 4 हुआ 2 हुआ और आज 2 लेग का प्लान ऐसा प्लान है जो कि मार्केट में कोई बैनरी प्लान भी है तो इसके सामने बहुत छोटा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा, तीनों चीज ग्रेड है, अच्छा है, और तीनों चीज का अच्छा अगर है तो उस कंपनी में आपको आंख मूंद के काम करना चाहिए। और इसमें तो तीनों के अलावे हम लोगों का सीनियर से लेके कंपनी का CMD से लेके सभी कोई बिल्कुल बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग माइंडेड है। तो इस चलते मैं चाहूंगा एक बार ये सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए एलेक्स वर्ल्ड क्लास का। तो समय को देखते हुए मैं आज अपना बातों को यहीं पे अंत करता हूं, धन्यवाद सुपर एलेक्स। थैंक यू सर, थैंक यू देव सर, बड़ा ही शानदार आपका स्पीच रहा, और एक बार ताली इनके लिए भी, सर के लिए भी बजती है, और आपका विशेष धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। इसके साथ ही सर हम थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी कल जैसा मीटिंग में जो इसका जो भी रूपरेखा तैयार हुई थी उसमें ये चीज था कि हमको आज जो है मेनली पारस सर को सुनना है, हमारे गेस्ट स्पीकर यही है, लेकिन आप जितने भी अभी शूटिंग स्टार आएंगे आपको 5 मिनट का समय लेके एक बढ़िया सा मैसेज आपको देना है, जैसे अभी देव सर ने दिया, इसी तरह से 5 मिनट का समय लेंगे और बढ़िया से बढ़िया मैसेज के थ्रू डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। और अब जो है हम देव सर के साथ सीधे सीधे आपको लेके चलते हैं, भारत में जिस चीज का बड़ा
समझिए कि एक तरह का इस तरह का रहा है कि यहाँ महिलाओं को उस तरह से नहीं देखा जाता, ये कहने हुए भी मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि अब बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं लोग और लोगों का सोच बदला है, लेकिन इतने बीच में और जब बात करते हैं हम झारखंड या अपने बिहार की, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज हमारे बीच एक ऐसी महिला है, एक ऐसी लेडीज है जिनको मैं जब भी ग्रुप में देखता था तो बिल्कुल सादगी से भरी हुई, और मैं तो इवन ऐसा समझता हूँ कि मैं कभी अपनी दीदी को अगर दिखाऊंगा तो पहली बार जब मैंने इनको देखा था तो मुझे लगा मेरी दीदी ही है। और ये जिस तरह से काम करती है, इनका चेहरा मेरी दीदी से मिलता है एकदम एज इट इज, और जब मैंने सोचा था कि जब मैं इनसे मिलूंगा तो इनके पैर मैं जरूर छूंगा, क्योंकि ये खुद के लिए काम नहीं कर रही है। आज जो ये घर से बाहर निकल के जो काम कर रही है, ये कितनी ही ऐसी महिलाओं को ये सशक्त कर रही है, कितनी ही ऐसी महिलाओं को ये प्रेरित कर रही है कि वो भी अपने लिए कुछ खास कर पाए और शूटिंग स्टार लेवल को हासिल कर लेना अच्छे अच्छे मर्दों की बस की बात नहीं है। और एक महिला होकर अगर इन्होंने इसको हासिल किया है तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपको सलाम करता हूँ और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूँ एक ऐसी शेरनी को जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है एलेक्स के अंदर। सरिता मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सरिता मैडम के लिए। सरिता मैडम, अब समय आपका है और आप आए और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। जी मैडम, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जी सर, धन्यवाद सर, मेरे लिए इतना कुछ बोले उतना काबिल हम शायद नहीं है, ये काबिल तो हम यहाँ। सबसे पहले सभी को नमस्कार और सुपर एल। सबसे पहले हम अपना परिचय दे रहे हैं, मेरा नाम सरिता देवी है और हम बोकारो झारखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमको इस जगह में लाए तो मेरे सीनियर लाए हमको और इतना मजबूत बनाए कि हम अपने पैर में खड़ा होके कुछ काम करने को पूरा उत्साहित हो रहे हैं। एनी टाइम कभी भी मेरा मन ये नहीं कहा कि आप ये काम कर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत सर को और जितना भी यहाँ हमारे जूम मीटिंग में आए हैं मैम सर सभी को, कि हमको आप ही लोग के कारण ही हमको हिम्मत मिला है और आप ही लोग के कारण से ही हम जो काम कर रहे हैं ना, आप ही लोग के दुआ से ही करते हैं। खास करके जो बात पारस सर बोल देते हैं मेरे लिए लकीर हो जाता है, जो भी बात बताते हैं उसको हम एक लक्ष्मण रेखा जैसा समझ के बात कर मतलब मान लेते हैं और बात करते हैं। हमेशा सर बोलते हैं ईश्वर ने हमको हम सबको यूनिक बनाया है, हमेशा इस बात को हम ध्यान में रखते हैं और इसी बात को लेके हम आगे भी बढ़ते हैं। हमने सुना है कि मनुष्य 84 लाख मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, ये बात हमेशा हमारे पारस सर बोलते हैं और ये बात मेरा ध्यान में हमेशा रहता है कि इतना कठिन परिश्रम के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ऐसा काम करके जाए कि सभी लोग को अच्छा लगे और सब नाम भी ले उसके साथ साथ। देखिए हम लोग को भगवान तो हर चीज दिया है, हर चीज दिया है, पानी हवा आपके लिए जैसा मौसम तापमान वैसा दिया है काम करने के लिए भी। देखिए मौसम है हम लोग का फील करने के लिए कितना अच्छा है कि दवा अभी आप कितना सेलिंग जितना कर सकते हैं, अभी तो दवा मिलता ही नहीं है इतना सेल। अभी मेरे जैसे लेडीज जो स्क्रीन को टच करना नहीं जानती थी, आपको हम सच्चाई बता रहे हैं, स्क्रीन को टच नहीं करना जानती थी, जिनके पास मोबाइल नहीं था, और सबसे सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ इस एलेक्स में, जब से आई हूँ ना एलेक्स में आके ही मैं इस फोन को भी ली हूँ, मोबाइल को भी, समझिए एलेक्स मेरे लिए कितना वरदान है। और इसके चलते हम अभी देखिए अभी मेरे साथ जितना लेडीज लोग है उनको मैं सिखाती हूँ, मैं खुद नहीं जानती वो काम भी दूसरे को सिखाती हूँ। तो ऐसा है कि यहाँ आने के बाद सभी को हिम्मत बढ़ जाता है, हिम्मत हो जाता है कि हम कैसे काम को करें। और खास करके लेडीज लोग को जो प्रॉब्लम होता है ना तो सब क्या सोचते हैं कि वही चीज लेके बैठल रहते हैं कि ये परेशानी है, परेशानी को झेलना सीखिए, परेशानी तो हर कोई के साथ आता है
आप लोग तो पूरा परिवार के साथ होंगे, हम मेरा घर में हम अकेले हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम घर का काम करते हुए और इनको संभालते हैं। और मेरा मन कभी अगर घर में रह गए ना तो हमको पता नहीं दिन कैसे बीतता है, वो पता ही मतलब बोल बोल रहे हैं कि आज कितना टाइम हो रहा है। और इतना मत कनेक्शन हो जाता है समझिए एलेक्स का कि अगर दिन में भी सपना देखते हैं ना तो सपना मेरा एलेक्स का ही रहता है। एनी टाइम एलेक्स के बारे में सोते जागते मेरा एलेक्स ही सपना है। जैसे सर कल बोले थे ना कि मेरे साथ घटना हुआ, वो मैं दिन में ही सपना देखे थे, उठे थे सर के बारे में सोच के, आकी नहीं है तो मेरा टीम का जूम मीटिंग हम करते उस टाइम बोले भी थे कि आप लोग पता नहीं कैसे नींद आता है, हम दिन में अगर थोड़ा सा सोए तो तुरंत पारा सर के बारे में सपना मिल गया हमको कि कुछ घटना हुआ है और पैर में चोट लगा है और हम पूरा रो रहे थे। तो सोचिए अगर दिलो दिमाग में आपको एलेक्स का ये बैठा रहेगा ना, क्या हम पारा सर को पहले जानते थे? नहीं, तो क्यों रो रहे थे? ये चीज समझिए कि हम क्यों रो रहे थे। आखिर चोट तो लगा सर को, लेकिन हमको क्यों रोना आया? इसलिए ना, क्योंकि हमारे गुरु हैं, उसके कारण से आज हम जो भी हैं उन्हीं के कारण से है। और ये चीज हम जूम मीटिंग में बताए और सच्चाई भी सुबह मिला कि सर बोले कि मेरे साथ ना ये घटना हुआ, तो हम बोले देखिए कनेक्शन किस तरह जुड़ा रहता है, तो इस तरह कनेक्शन जोड़ के रखिएगा तो हर काम आप लोग कर सकिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम कुछ बोलना चाहते हैं कि देखिए हर दीपक के तले अंधेरा होता है और हर एक रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लेकिन हर एक मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा जरूर होता है। मैडम आवाज आपकी नहीं आ रही है, एक बार चेक कर ले। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि समय का भी थोड़ा सा ध्यान दें। जी वीडियो को ऑफ कर लीजिए और उसके बाद बोलिए वीडियो को। जी सर वीडियो को ऑफ कर दीजिए। जी सर बोल रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है सर? यस यस आवाज आ रही है मैडम, बोलिए। तो वही बोल रहे हैं कि हर दीपक के तले अंधेरा होता है और हर एक रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लेकिन हर एक मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा जरूर होता है। Yes. ये चीज मान लीजिएगा तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगा। Yes, yes. और इसके काम इसी इंसान बातों के साथ हम अपना वाणी को विराम देती हूँ। सुपर थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, एक बार ताली मैडम के लिए जरूर बनती है। दोस्तों आप जहां भी हैं, आवाज ताली की आए या ना आए, लेकिन अपने दिल की गहराइयों से ताली जरूर बजाएं, क्योंकि ये एक ऐसी सटीक उदाहरण है। ये हमारी महिला जो टीम है और ये जो लीडरशिप है हमारे पास, हम बहुत ही लकी है। साथियों अभी समय का थोड़ा सा मर्यादा है, इसको हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और समय ना जाया करते हुए अभी मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं कहूंगा। साथियों उनके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि वो एक फाइटर है। और फाइटर कौन होता है? फाइटर वो होता है जो लड़ना जानता है। दोस्तों ये जो है इन्होंने लड़ा है, और क्या लड़ा है, कैसे लड़ा है, क्यों मैं इनको फाइटर कह रहा हूं, ये आप ये खुद आएंगे तो अभी आप इनसे सुनेंगे समझेंगे। दोस्तों समय ना जाया करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लीडर शूटिंग स्टार मिस्टर सर्वन जी का। सर्वन जी स्वागत है आपका, ये अभी समय आपका है और प्लीज सर इट्स ओवर टू यू। सुपर एलेक्स सर नमस्कार, जोहार। सुपर एलेक्स। और मेरा हुआ सर्वन करमाली, बीआईटी में सर रांची झारखंड से। एलेक्स में पिछले 3 साल से सीखते आ रहे हैं, कंपनी का 3 साल हुआ नहीं है लेकिन 3 साल हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, और सीखते हुए सिखाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ये काम बीमारी और बेरोजगारी को भारत से जड़ से मिटाने का काम है। नाम से ही पता चल रहा है कि एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट,
एक रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद कंपनी है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को इसमें रोजगार भी दे रहे हैं। बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना है। सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट है हमारा हेल्थ प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये सारे प्रोडक्ट हमारे दिनचर्या का प्रोडक्ट है, जीवन में हमारा यूज करने वाला प्रोडक्ट है। और इसी पर हम यूज करके आज तक मेरे जो पूर्वज थे, मेरा बाप के बाप के बाप के बाप जो भी थे, आज यही प्रोडक्ट को यूज करते करते वो मर गए, उनको किसी तरह का एक रुपया का फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसी प्रोडक्ट को अगर हम एलेक्स में यहाँ से सिर्फ एक कार्ड बनाते हैं, फ्री में यूजर बनते हैं, उससे हमको इतना सारा बेनिफिट मिलता है, इतना सारा फायदा मिलता है। 1100 बीवी का जो अभी कंपनी का शुरुआत से जो प्लान है, उस 1100 बीवी को सिर्फ बिजनेस करते हुए सिर्फ एक आम आदमी ऊपर नेटवर्क नहीं करे, कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ एक 1100 बीवी करके वो अपना पूरा देश का अपना पूरा इंडिया का वो चारों धाम का टूर कर सकता है। इस तरह का जो प्लान है और हमारा जो प्रोडक्ट है ये एकदम जेन्युइन। आप की भी आवाज कट रही है सर, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, एक्चुअली कुछ है आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू। नहीं नहीं, वो आप एक बार माइक को जो है ऑफ कर लीजिए और फिर ऑन कर दीजिए जी। वीडियो को भी ऑफ कर लीजिए। हाँ हाँ, बोल रहे हैं कि हमारा बीपी है ये सबसे बड़ा बेस है, कंपनी को सबसे बड़ा बेस है। इसी में एक यूजर बन के उनको इतना सारा बेनिफिट मिलता है, घूमने के फिरने के लिए 2-4 दिन का जो प्रोग्राम रहता है, रहना ठहरना खाना पीना सब सारा कंपनी का रहता है। तो इस तरह का जो 1100 का जो प्लान है ये सबसे कंपनी का बड़ा बेस है। और इसमें हम काम करते हुए लोगों को सिखाते हुए सीखते हुए आज हम इस जगह पे हैं अभी। और सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जैसे पारस सर हैं और जितने भी शूटिंग स्टार, राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, ये सबका एक योग रहता है, सबका तालमेल रहता है। इसमें किसी भी तरह का कोई क्रॉस नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। सबसे बात विचार करके बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं और यही काम करते हुए आज अभी शूटिंग स्टार में आए हुए हैं और सीख रहे हैं। और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है सर और रेट भी इसका बहुत सुंदर है। आज हम विदेशी प्रोडक्ट से आज भी हम गुलाम हैं। हमारा भारत आजाद हुआ 75 साल होने जा रहा है, लेकिन आज भी हम विदेशी प्रोडक्ट से हम आज भी गुलाम है। और इसी गुलामी को हम लोग को दूर करना है। आर्थिक आजादी का अभियान शुरू हो गया है और ये एलेक्स भी आर्थिक आजादी अभियान को आंदोलन के रूप में लेके चल रहा है। और सारे लोग को पूरा देश में बेरोजगारी को और बीमारी को दूर करने का काम किया है। इसके लिए हम हमारे MD साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे ट्रेनर हैं उनको धन्यवाद करते हैं, साथ में सभी को लेके चलने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट लीडर पारस सर को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मीटिंग में होस्ट कर रहे हैं पवन सर, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से भी लीडर हैं, सभी अपने आप में यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और शेर हैं, सभी लोग अपनी जगह शेर जैसा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, हमको थोड़ा सा बोलने में तकलीफ भी होता है, थोड़ा थोड़ा खांसी आने का जैसा लगता है सर। सर ये आप 30 सेकंड का समय और लें सर, और लोगों को बताएं कि आपने किसको हराया है। ये सर एक जोश पैदा करने वाली बात है। अभी जो आप लगभग बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, आपका बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे, मतलब ऑक्सीजन में भी थे हम 4 दिन जी। और हमारे साथ में राजेश सर भी हैं, वो भी लाइन में है, उनसे भी मेरा फिलहाल बात हुआ था। हम लोग दोनों में बोले कि इस तरह से खान पान के विषय में बोले कि भैया आप क्या खा रहे थे हमको बताइए, वो भी बोले कि हम इस तरह से खाए। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग पारस सर को हम बोलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा घर वाला पारस सर को, मेरा भाभी लोग बोले कि कहा ला के आप खिला पिला दिए, कढ़ा उढ़ा ज्यादा खांसी हो गया, लेकिन हम सर को फिर से ये घर का बात नहीं माने, बोले भाभी सरवन को जानते हैं हॉस्पिटल तक आए, हॉस्पिटल में भी हमको पूरा कढ़ा उठा ला के पिलाए। और हॉस्पिटल में भी हम इंग्लिश दवा खा ही रहे थे, डॉक्टर का भी दवा खा रहे थे और आयुर्वेद भी हम पूरा एक झोला जो पारस सर ला दिए थे उस
उसको हम आधा एक बार में उसको फिर से खा लेते थे, और हमको लगता है कि जो एलेक्स का जो प्रोडक्ट है ये महादूरदर्शन को बाद इमिलेक्स ये सुपर मेरी सब जो ला दिए थे हम, उसी से हमको थोड़ा सा एनर्जी मिला और उसी से आज हम कोरोना बीमारी से लड़ के आज हम थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से बैठे हैं। जी जी सर, तो चलिए धन्यवाद सर। और जैसा अभी देखिए सर ने बड़ा ही छोटा छोटा दो बात कहा है, एक बात ये कहा है कि मेरे बाप दादा परदादा ने हजारों लाखों करोड़ों रुपया का सामान इस्तेमाल कर लिया, आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन एलेक्स में करके मैं पा रहा हूँ। दूसरा बात इन्होंने कहा कि आज हमारा देश बाहर के प्रोडक्ट, विदेशी प्रोडक्ट, पीएनजी, गैलेक्सो, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर, इस तरह के नाना प्रकार की बाहर की कंपनियों का सामान खरीद के अपने आप को गुलामी से बाहर नहीं कर पाया, इससे अगर हमको बाहर निकलना है तो एलेक्स के उत्पादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा ही शानदार आपने जो दो बातें कही सर, ये बड़ा ही लोगों को एनकरेज करने वाला है, लोगों को समझाने वाला है। इनके साथ ही साथ अभी आप लोग यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि अब हम जिनको इन्वाइट करने जा रहे हैं वो हमारे एलेक्स के रांची झारखंड इंडिया के सबसे हैंडसम शूटिंग स्टार है, और सबसे हैंडसम शूटिंग स्टार है, और सबसे एनर्जेटिक शूटिंग स्टार है। साथियों बड़े कम उम्र के हैं, बचपन बड़े ही अभाव में गुजरा, लेकिन बड़ा ही शानदार तरीके से इन्होंने मेहनत करके आज अपने आप को एलेक्स शूटिंग स्टार के लेवल पे लाके अपने आप को इन्होंने स्थापित किया है, और इनका जो नेटवर्क है वो सस्टेन कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे झारखंड के हीरो मिस्टर प्रेम कुमार को। सर प्रेम सर आपका स्वागत है, और एक विशेष ताली, और आप सब भी एक जोरदार तालियों के साथ प्रेम सर का स्वागत करें। प्रेम सर माइक अनम्यूट कर लें। स्वागत है सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सभी को। सुपर एलेक्स, फूल खिले, गुलशन खिले, खिले गुलदस्ते, और आज जो जितने भी आज हम लोग जूम मीटिंग में वेबिनार में आए हैं, सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों छोटी सी परिचय, नाम प्रेम कुमार, और आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। मैंने इस जंगलों के बीच में जन्म लिया, और जहां से मैं कोई सोच नहीं सकता है कि इस बिजनेस को इस घना जंगल, इस देहात क्षेत्र से किया जा सकता है, इस बिजनेस को वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया, और सोचा आज से 3 साल पहले, सिर्फ सोचा आज से 3 साल पहले कि मुझे यही बिजनेस करना है, जीवन में मुझे यही काम करना है। अपना रोजी रोजगार तो सब लोग कहीं ना कहीं काम करके चलाते हैं, पैसे के लिए तो हर रोज आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन मैंने ठाना कि मुझे यही काम को करना है, अपना रोजी रोजगार भी चलाना है, अपना परिवार भी चलाना है, और लोगों के लिए भी हम कुछ सोच सके, लोगों के रोज घर कैसे चले, इसके लिए यही एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, जिससे हम काम करके अपना सपने को वो पूरा कर सकते हैं, और दूसरों गरीबों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये काम को शुरू किया, और काम को शुरू करने का नतीजा मेरा रहा कि अभी तो ये जर्नी है, बहुत कम समय में मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये तो मेरा सिर्फ 10% सपना पूरा हुआ है, अभी 90% सपना पूरा करना बाकी है। ये तो एक छोटी सी झलक है मेरा, मैं वाके में कम उम्र में अगर शूटिंग स्टार बना हूँ तो अभी मेरा उम्र बहुत लंबी है, और मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, और जब इस कम उम्र में कम समय में मैंने लड़ करके यहाँ तक मैंने कामयाबी हासिल किया हूँ, तो मेरे अंदर बहुत जज्बा और जुनून आ चुका है, और बस इसको बरकरार रखने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में हमें ये सोच सिर्फ बनाए रखना है कि हमें करना है यही बिजनेस को, इस सोच करके जो अभी अगले लीडर शूटिंग स्टार ने बोले कि इस देश को अगर गरीबी से मिटाना है, इस देश को अगर हर तंगी से बचाना है, तो एक ही बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, और इस डायरेक्ट सेलिंग में हमें चुनाव करना पड़ेगा, जिससे 2-3 कंपनियों में मैंने धक्के चोट खाया, और उस धक्के चोट खाने के बाद जो मुझे मिला प्लेटफॉर्म वो है आपके साथ एलेक्स। दोस्त आप कई कंपनियों में नहीं काम किए होंगे तो आपको लगता है कि बहुत सारी कंपनियां आती है, किसमें जुड़े किसमें ना जुड़े, डेली कंपनियां पैदा हो रहा है, लेकिन आपको कोई लीडर अगर बोलता है कि मैंने 2-3-4-5 कंपनियों में काम करके यार एलेक्स में कामयाब हुआ हूँ, तो ये आपके लिए विश्वास करने वाली बात है, क्योंकि जिस रास्ते को आप सफर करने जा रहे हैं उस रास्ते में मैंने 2-3 रास्ते को मैंने
चल करके गुजर करके और मैंने वो रास्ता को बंद किया और फिर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला एलेक्स, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा कामयाबी हासिल किया हूँ। दोस्त आप देख सकते हैं इस जंगलों के बीच से मैं सोच नहीं सकता इस बिजनेस को कैसे करें, आखिर क्यों नहीं सोच पाते हैं लोग? तो इसका कारण है, जब तक लोग अपने लिए सिर्फ सोचेंगे, अपने परिवार के लिए सोचेंगे, अपना पेट तो एक कुत्ता भी पालता है लेकिन दूसरों के लिए शायद कौन सोचता है। तो अगर ये सोच आपके अंदर पैदा हो जाए तो वो पूरा कर सकता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केट। और ये तभी हो सकता है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आप हर एलेक्सियन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए, ये सोच पैदा करना चाहिए, तभी हम जा करके इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं और ऐसी जंगलों के बीच से एक सफल हो करके निकल सकते हैं। जो अभी मान लीजिए मैंने इस तरह का सूट बूट पहन करके जंगल से बीच से निकलेंगे तो कई सारे लोग देखेंगे ये करता क्या है, कौन सा काम करता है, क्या इन्होंने तीर मार दिया, इस तरह का टाई कोट पहन करके निकलता है। तो इस तरह से सपना तभी पैदा हो सकता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे हर लोगों को दिल में ये सोच पैदा हो, है ना, और डेली काम करने का ऊर्जा एनर्जेटिव हो। एक होटल था और उस होटल में एक बहुत बड़े होटल था और एक मालिक चला रहा था होटल, और वहां पे एक आदमी गया खाना खाने के लिए, बोला इस होटल का मालिक कहाँ है? तो उस स्टाफ ने बोला इस होटल का मालिक दूसरे होटल में गया है खाना खाने के लिए। तो आदमी सोचा कि अपना खुद का होटल है और दूसरे होटल में खाना खाने के लिए गया है तो मैं यहाँ क्यों खाना खाऊं। उस स्टाफ से पूछा कि ये मालिक कहाँ गया है? तो स्टाफ ने बोला ये होटल का मालिक गया है दूसरे होटल में खाना खाने के लिए, और व्यक्ति गया था खाना खाने के लिए वहाँ। बोला जब अपना ही होटल है और अपना होटल में व्यक्ति खाना नहीं खाया, दूसरे होटल में जाता है खाना खाने के लिए खुद का मालिक, तो मैं यहाँ क्यों खाऊं। इस तरह से हमारी आयुर्वेद की जन्मदाता भारत और जिसकी सबसे ज्यादा व्यापार आज चाइना कर रही है, तो हमें ये शर्म की बात है, ये गर्व करने वाली, दिल में चोट लगने वाली बात है कि हम एलोपैथिक दवाइयाँ, विदेशी कंपनियां प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, क्रीम बड़े आसानी से ले आते हैं घर में और इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। सोच के देखिए, हम एक 10 रुपया का साबुन अपने घर में लाते हैं, वो विदेशी कंपनी बना करके हमें देती है, एक छोटी सी रकम आप देते हैं। भारत की शायद 1 अरब 25 करोड़ आबादी है, एक एक साबुन अगर हर घर में जाता है तो कितना पैसा विदेश चला जाता है। उस पैसे को रोकें पहले, उस पैसे को रोकने के लिए ये मेड़ है, ये भीड़ है एलेक्स, इस भीड़ को बांध दीजिए तो आपकी गरीबी मिट सकता है। नहीं तो आप कितनों मेहनत कर लीजिए, कभी आपकी गरीबी नहीं मिटेगा, ना देश में कभी ये समस्या का समाधान होगा। तो आयुर्वेद का जन्मदाता भारत, और हमें शर्म होना चाहिए हम विदेशी दवाइयों के इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक सामान दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, विदेशी घर में ला ला करके बड़े मजे से इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसी चीजों को घर से बाहर निकाल दीजिए, आपके घर भी, आप इस जंगल से भी कामयाबी लेकर के और आप उभरता हुआ दिखाई देंगे। ये आपके अंदर ये ठानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि कौन सा विदेशी सामान हमारे घर में आ रहा है, उसको आज के आज घर से बाहर फेंक दीजिए। एक साबुन भी आता है तो आपकी खून पसीने की कमाई 10 रुपया डेली वो विदेश ले जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं गरीब है। गरीब तो हम अपनी आदत से हैं। उस दुकान को बदल दीजिए जिस दुकान ने हमारी दादा परदादा को गरीबी मरा दिया, उस सिस्टम को बदल दीजिए जो हमारे दादा परदादा को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, किसान किसान बोल करके खेती करके अपना गुजारा बसारा करने करके और ये जीवन खत्म कर दिया। मैंने यही चीज को देखा, आज से लेकर के हमारी 2-3 पीढ़ियां इतनी संपत्ति थी फिर भी लोग पैसे के भी नहीं तरस, घर नहीं चल रहा है बढ़िया से, भाई कारण कहाँ है? तो मैंने जब इस बिजनेस में आया तो मुझे समझ में आया कि जितने किसान खेती बारी करके पैसा कमाते हैं वो जा करके ट्रेडिशनल दुकान में, राशन दुकान में विदेशी सामान को खरीद के अपने घर में ले आते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस्तेमाल करते हैं तो उसको 1 रुपया भी उसके घर में नहीं आता है। लेकिन आप वही चीज एलेक्स दुकान में जा करके महीने के 1000-2000 आम से आम आदमी खरीदारी करता है, मार्केट में कमाता है, ताकि पैसा करता है, उस बाजार को बदल दीजिए। अपने जीवन में सब चीज बदल लिया, बटन का मोबाइल था उसको बदल करके एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लिया, आपने मोबाइल लेते हैं उसको समय समय पर अपडेट करने के लिए बोलता है, अपडेट घर में गांव गली में लाइन बिजली नहीं था, ये सब परिवर्तन हो गया, अब गांव शहर बन गया, सब चीज बदल रहा है। आपने खरीदारी करने का तरीका नहीं बदल रहे हैं तो गरीबी कहाँ से मिटेगी? yes, yes. आपने खरीदारी करने के तरीका को बदले 100% जाएगी। मैं बता देता हूँ समय ज्यादा नहीं लगेगा बदलने में,
दीजिए कि मेरे से जो 100 रुपया खर्च हो गए उसको मैं डायरेक्ट सेलिंग में खर्च करूं, किसी एमएलएम का खर्च जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है तो पैसा हमारे घर लौट के आता है। तो एलेक्स लिखा है कि जुड़ते साथ आप एलेक्स से 6 फायदा लीजिए, 5 से 6 फायदा जुड़ते साथ लीजिए। आप जैसे ही एलेक्स में 2500-3000 का सामान लेते हैं, एलेक्स का सामान आप मार्केट से लेते हैं तो आपको 4 से 5 हजार रुपया लगता है। अगर आप एलेक्स से लेते हैं तो हर महीना 1000-1200 रुपया की बचत, 1000 रुपया का ही ध्यान रखे। इस फायदे के बारे आगे बताएंगे हमारे। थैंक यू दोस्तों, मैं आगे फिर मौका मिलेगा तो आपके साथ बातचीत करूंगा और आगे फिर आपके साथ आता ही रहूंगा, कम रहा ज्यादा रहा फिर आपके साथ मैं आता ही रहूंगा, वादा रहा। थैंक यू सुपर एलेक्स, आप अपनी दुकान को बदले, मैंने जीवन में एक ही काम किया। आपने जो भी अभी कहा है ये वाकई में बड़ा ही शानदार आपने बताया लोगों को। और थोड़ा सा हम क्या है कि समय आप भी जो बोलते हैं और एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने भी लीडर मन करता है कि और सुने लेकिन समय की एक अपनी मर्यादा है। जैसे अभी प्रेम सर भी बोल रहे थे तो हमारे बीच में पवन जी का कट गया नेटवर्क और इस बीच में हमारे जी साथियों थोड़ा सा हो सकता है बीच में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कट गया हो। दोस्तों जैसा फिर समय की थोड़ी सी मर्यादा है तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे और जल्द जल्द बस 5-5 मिनट देते चले जाएं। और आप सभी जोरदार तालियों के बीच में मैं फिर से प्रेम ये जो समय है जाया ना करते हुए एक और महिला सशक्तिकरण की उदाहरण हमारी बड़े ही शानदार लीडर इनको मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। प्लीज हेल्प मी वेलकम सीतामणि जी। साथियों जोरदार तालियों से सीतामणि जी का स्वागत करें और आप भी मैडम वेलकम। थैंक यू सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स यहाँ जितने भी जुड़े नए पुराने सभी साथियों को हमारे एलेक्स परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका इस प्लेटफॉर्म पे, इस सोशल मीडिया पे। आज पहली बार ये हमारा जो वेबिनार होने जा रहा है ये बहुत ही यादगार है, ऐतिहासिक रहेगा, इसलिए कि इस प्लेटफॉर्म को आज पहली बार सारे लोग देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमें स्टेज में जाना पड़ता था, सेमिनार करना पड़ता था, वहां जाके हम सारे गुरुओं का जो अभी हमें बता रहे हैं। माइक एक बार अनम्यूट कीजिए। माइक हाँ ठीक। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि इस सेमिनार को देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं सेमिनार का आयोजन करना पड़ता था और वहां जाके हम सारे लोगों से मिलते थे, सारे लोगों की बातों को सुनने का मौका मिलता था। तो एक हमारे अंदर एक हिम्मत आती थी, एक ऊर्जा आती थी, एक प्रेरणा मिलता था कि हमें भी कुछ करना है। लेकिन आज खूबसूरत प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से एक जगह एकत्रित हुए हैं और बहुत सारे नए लोगों को भी हमने एकत्रित किया है कि लोग सुने जाने और इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमने ये तैयारी की है। बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी सारे लोगों से कि अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, अभी जरूरत है आपको हिम्मत को अपने साथ लेकर जाने का। दूसरी बात है कि पहले आप अपने आप को जीत हासिल कीजिए, अपने आप से जंग लड़िए, क्योंकि ये आपका जो समय है जंग लड़ने का भी समय है, चाहे सही हो या आर्थिक हो, आप अपने आप से लड़ना होगा, अपने आप में जीत हासिल करना होगा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब तक आप अपने आत्मविश्वास को हाई लेवल पे नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज हम जिस लेवल पे हैं, इस लेवल पे आने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ी, हर एक चीज की जरूरत पड़ी। आपको भी छोटे छोटे जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, जो आएंगे उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे आ सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक महिला आगे आए, क्योंकि महिलाएं हमारी इस टीम में, इस एलेक्स ग्रुप में बहुत ज्यादा हैं। तो महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानिए, अपने डर की दहलीज को पार करिए
और आगे आइए, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप हर चीज कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। तो जो भी हमें ये बताया जा रहा है, जो भी हमें कहना किया जा रहा है, अगर आप नए हैं तो आप 2000 रुपया कैसे कमाएंगे, इसका जो रास्ता बताया जा रहा है इस रास्ता को अपनाइए और इस 2000 का पहला चेक आप बनाइए, क्योंकि पहला पैसा, पहला चेक जो आपके नाम पे होगा वो गर्व महसूस कराएगा आपके परिवार के लिए, अपने लिए। यही वो चेक है जो आपको आगे के लिए 2000 से 2 लाख में बदल देगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने डर की दहलीज को पार करिए, आगे आइए और अपने आप में सक्षम रहिए। आप कर सकती हैं, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और सारी महिलाएं कर सकती हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपके लिए 100 कदम सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है, पूरी एलेक्स टीम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज लोग महिलाओं को एक हाउसवाइफ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपनी काबिलियत को नहीं दिखा पाए, तो आप एक हाउसवाइफ बन के ही रह जाएंगे। लेकिन आज आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि इस बिजनेस में आके आप हाउसवाइफ नाम के शब्द को बदल के आप एक बिजनेस वुमन बन सकती हैं, एक आप अपनी पहचान बना सकती हैं। और लोग गर्व से अगर आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, या आपके बच्चे को पूछे कि आपकी मम्मी क्या करती है, तो गर्व से कहना चाहिए कि मेरी बच्ची, ये मेरी मम्मी एक बिजनेस वुमेन है। तो कितना गर्व होगा आपको। तो इस हाउस वाइफ शब्द को हमें हटाना है और इस बिजनेस में आके हमें सारी महिलाओं को बिजनेस वुमेन बनाना है, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने आप में ये सक्षम हो सके और अपनी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरी कर सके। घर में हर एक कोई अपने घर चलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाता है, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हैं। इन इच्छाओं को आप ऊपर कीजिए, इन इच्छाओं को सोच में बदलिए, इन इच्छाओं को आप सपनों में बदलिए और इस सपनों को आप पूरा कर सकती हैं। और इस सपने को पूरा करने के लिए आप इस जो शूटिंग लेवल स्टार देख रही हैं, जिस लेवल पे हम 3 महिलाएं 4 महिलाएं यहाँ हैं झारखंड से, तो आप बाकी लोग भी आ सकती हैं, यहाँ पर बिल्कुल आइए। और यहाँ पर पहुंचने के बाद आप जो सुरक्षित महसूस करेंगी, वाकई में मानिएगा कि हम एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से जुड़े हुए हैं, जिसकी हर एक चीज में आपको अच्छाई मिलेगी, चाहे आप जिन्हें भी ले लीजिए, चाहे कंपनी ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए, हमारे गुरु ले लीजिए, सारे लोग आपको अच्छे मिलेंगे। तो इस अच्छाई का फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारी महिलाएं आपको देख के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर एक महिला आगे आए और इस लेवल को ले, और इस लेवल को लेने के बाद अपनी घर की जरूरतों के साथ साथ अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा करें। थैंक यू सुपर एलेक्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इंस्पायर किया हमारी महिलाओं को, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। और इसके साथ ही अभी जैसे हमने समय था 7:30 से 8:30 बजे तक शूटिंग स्टार्स के लिए, तो बड़ा ही कम समय बचा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप अपने वक्तव्य को कहने की कृपा करें। मैं दिनेश बारिक सर से एक बार स्वागत करूंगा कि जल्द से उपस्थित हों, और आप लोग जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर दिनेश बारिक जी का। सुपर एलेक्स दिनेश भैया, सुपर एलेक्स, बहुत मजा लग रहा है कि आज ऐसा सौभाग्य मिला कि आज हम लोग को मौका मिला एक जगह मिलने का, सेमिनार वेबिनार करने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा सौभाग्य है कि लॉकडाउन में भी हम लोग ऐसा सिस्टम को बनाए सर पारस सर ने, और हम लोग को मौका दिए 2 शब्द रखने का। तो बहुत मैं बातें रखूंगा। इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ दिनेश बड़ाई और रहने वाला गुमला झारखंड से हूँ। और इस सिस्टम को 16 दिन बाद मेरा 2 साल हो जाएगा, 2 साल से हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं आयुर्वेद के बारे जानता भी नहीं था, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा चीज लेगा, ये लगातार कंटिन्यू चलना है। लोगों को दो चीज है सर, एक निर्णय नहीं ले पाता है इसलिए बिजनेस को नहीं कर पाता है। अगर लोग सही निर्णय ले तो ये बिजनेस बड़ी आसान है। दूसरा चीज है विश्वास की कमी, लोगों में विश्वास की कमी है। जहां लोगों को विश्वास नहीं करना होता है वहां लोग विश्वास करते हैं, लेकिन लोगों को जहां विश्वास करना है वहां नहीं करते हैं, इसीलिए बिजनेस को कर नहीं पाते हैं। जैसे मान के चलिए हम गाड़ी में जा रहे हैं, अब गाड़ी में कौन सा ड्राइवर बैठा है, क्या पता वो हमको लेके गड्ढा में डाल दे, पिया है, अगर शराब पी रखी है कि नहीं, उसको हम लोग देखते नहीं है, आराम से चढ़ जाते हैं।
वहां विश्वास हमें करते हैं, लेकिन सिस्टम अगर हमारा जीवन रूपी गाड़ी को अच्छा जगह ले जा रहा है तो इसमें विश्वास लोगों को करना चाहिए ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छा से चले। और जैसे हम कहीं सैलून में जाते हैं, अब सैलून में भी लोग पूरा गला को दे देते हैं, वहां विश्वास करते हैं लोग, क्या पता छुरा चल रहा है गला को काट दे, लेकिन ऐसा नहीं समझते हैं, वहां विश्वास करके जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन जहां सुरक्षा है, लोगों को भलाई है, जहां आगे बढ़ सकता है, जहां आगे आ सकते हैं, लोग का समस्या सारा खत्म हो सकता है, और ये एक दिन का बिजनेस नहीं है। लोग कहता है कि हम आज कमाएंगे खाएंगे उसके बाद में, मैंने फिर नीचे पीढ़ी के लिए भी तो सोचना है, और सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग कई एक पीढ़ी के लिए सोचना है, और यही एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा माध्यम है जो कई एक पीढ़ी तक जा सकता है, सिर्फ काम करना है एक बार। इसी को कहते हैं बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, एलेक्स जिंदाबाद। इसी तरह एलेक्स को लोग करते रहे, और सबसे बड़ा चीज ये है कि आज लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं है कहता है, समय सबके पास है, समय और सबके पास बराबर है, तो उसी समय को एक दिन अगर लोग दे देवे कुछ दिनों के लिए, जैसे मैंने 2 साल आज दिया, 2 साल के बाद अब हमको सोचना नहीं पड़ रहा है कि हमें परिवार कैसे चलना है, अब हमें सोचना है कि नीचे कई एक पीढ़ी को कैसे हमें चलाना है। अगर एक बार नेटवर्क बना दें तो कई एक पीढ़ी तक हमको सोचना नहीं पड़ेगा, और हम रहे कि न रहे दुनिया, हम डायरेक्ट सेलिंग में एक ही चीज देखे हैं कि हम रहे या न रहे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी तक समय को इसको देना चाहिए। अगर आज वक्त को देते हैं तो सबसे बड़ा चीज है कि गुणात्मक होके हमारे पास वापस आएगा। दूसरा चीज है अगर आज लोग एक काम करते हैं तो उसको रोकाड़ी मिलता है, लेकिन एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को बना लिया जाए तो जीवन भर नहीं कई एक पीढ़ी तक आपको चलते रहेगा। और इसी के साथ में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि समय को लोग पहचाने, और समय वक्त के साथ में चलना है हमें, और लोगों को ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। मैं तो सोशल मीडिया के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन सोशल मीडिया में जब जानने लगा तो रात को मुझे एक फेसबुक से मिला, वेस्ट बंगाल का एक आदमी हमको बात किया, आपको फेसबुक में देखे हैं, तो हम सोचे कि चलो बहुत बढ़िया बात है, वो भी IMC का लीडर है, तो हमें संपर्क किया रात को, उन्होंने बहुत सारा बात हुआ। तो सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा चीज है, और खास करके कंपनी अभी ई कॉमर्स लाई है, तो ई कॉमर्स से हम लोग का बिजनेस होगा, बहुत बड़ा होगा। और जाते जाते मैं, समय का बहुत अभाव है, एक ही चीज कहूंगा कि आज वक्त को समझ जाए दोस्त, कल के दिन में आने वाला समय आपका होगा, और हम लोग का मतलब पीढ़ी तो जैसे तैसे, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग को बहुत बड़ा कुछ करके जाना है, ताकि पड़पोता सारा चीज हम लोग को याद गिरे। जैसे पारस सर कहते हैं फोटो के ऊपर भी 13 दिन में लोग भुला जाता है, लेकिन भूले नहीं, इसीलिए हम धरती में आए हैं। और हम बार बार एक ही चीज करते हैं कि मनुष्य जन्म भाग्य से मिलता है, लेकिन एलेक्स बिजनेस हम लोग को सौभाग्य से मिला है, ये बहुत बड़ा बात है। धन्यवाद, थैंक यू सुपर एलेक्स। थैंक यू सर, बड़ा ही शानदार आपका स्पीच रहा सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया लोगों को। और इसी के साथ हम सीधे सीधे एक और हमारी महिला लीडर, जो वाकई में उनका भी अपना एक औरा है, उनका भी अपना एक तरीका है, और वो भी इंस्पायर कर रही है लोगों को, तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा हमारी ग्रेट लीडर चिंता देवी जी का, जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत किया जाए। और हम जी चिंता मैडम जी, आपका स्वागत है मैडम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। सुपर एलेक्स सर, थैंक यू पवन सर, सुपर एलेक्स ऑल लीडर्स, मेरा नाम चिंता देवी हुआ, मैं रामगढ़ जिला पतरातू प्रखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही देहात और बहुत ही जंगल साइड से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत लोग हमेशा हिम्मत हार जाते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, और मतलब एक
पार्ट टाइम, मैं ब्लॉग पे भी काम करती हूँ जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा ही मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज पारस सर की वजह से हमारा सारा डर खत्म हो गया। पारस सर को वाकई एक भगवान की तरह पूजते हैं, उनको चरण स्पर्श, जो कि आज उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया जो कि मेरा लाइफ ही को चेंज कर दिया। मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं इतना अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हूँ, नेटवर्क मार्केट करने से इतना फायदा होता है, लेकिन आज यहाँ पे मुझे वो सारा चीज एलेक्स ने मुझे दिया। मैं डॉक्टर संदीप सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कि आज हम लोग को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो आज एक बीमारी से लड़ने की क्षमता है और वाकई गारंटेड रिजल्ट है। और मैं मिस्टर सीएमडी सर का, यशवीर सिंह का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें ऐसा प्लान दिया जो कि आज हम लोग उस पे काम करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। मैं ज्यादा कम टाइम ही है, कोशिश करूंगी कि कुछ बहुत अच्छा ही यहाँ पे कम शब्दों में ज्यादा कुछ बता सकूं। तो आज हम लोग मतलब लेडीज हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन जब हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों? आज हम लोग के गांव पे कोई भी एक प्लान हम लोग को मिलता है ब्लॉक लेवल का, अरे सरकारी काम है, कोई छोटा सा भी पद मिला हम लोग को 30,000 रुपया भी देना है घूस के तौर पे। आज कोई भी आप इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं लेकिन आपको घूस मांगा जाता है। रियली हकीकत है, मेरे साथ हुआ है और अभी हम देखते हैं लोगों को इस चीज से जूझते हुए, लेकिन उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म पता नहीं है जिसके वजह से आज लोग पैसा देते हैं। आज एक सहिया जो गांव पे है उसको सिर्फ चुनाव करने के लिए लोग 25 से 30 हजार, अभी 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। तो सोच के देखिए कि यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा शॉपिंग 25,000 का लेकर के हम महीने का 5,000 रुपया इनकम कर सकते हैं जो कि उसमें मात्र 2,000 का पे आउट है। तो हम लोग डरे नहीं, और गांव में जितनी भी महिलाएं हैं आज एक से एक छोटा छोटा वर्कर जिनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बस उनको उन लोग को बस एक बार हिम्मत देने की आवश्यकता है और बस वही काम आज हम कर रहे हैं। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, आज हम आपके साथ हैं और आज सभी लोग जुड़ रही हैं और सभी को अच्छा से काम कर रही हैं। तो मैं अपने आप को एक सौभाग्य मानती हूँ कि मैं सही समय पे डिसीजन ली और मैं किसी की नहीं सुनी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड, मेरे पति हमेशा मेरे साथ हैं जो कि हर कदम में पे मेरा साथ देते हैं और वो हमेशा हिम्मत देते हैं कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम साथ में हैं। तो ये मतलब कहा जाता है कि गॉड गिफ्टेड, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सारा चीज गॉड गिफ्टेड मिलता है जो आज मुझे एलेक्स ने दिया है। तो आप अगर इसमें अच्छा से डिसीजन लेकर के आप आते हैं तो यहाँ पे शूटिंग स्टार क्या आप यहाँ पे स्कॉर्पियो तक बहुत अच्छा लेवल आप ले सकते हैं, लेकिन आप एक ब्रांड बनिए। अगर आप बनते हैं, और सर का एक हमेशा कहते हैं कि जो घिसता है वही चमकता है। तो इस तरह से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म में तीन साल से काम कर रहे हैं और सर का हमेशा एक बात हमेशा याद आता है कि पहले सर बोलते थे कि एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। वो बात मुझे बार बार याद आती है और वो लॉकडाउन हम लोग को याद दिलाया कि वाकई में जो भी पारस सर बताते हैं, जो भी बताते हैं वो मतलब हम लोग को भविष्य के बारे में बताते हैं और सारा चीज हम लोग को क्लियर करके बताते हैं और सही और गलत का डिसीजन करने का हम लोग को हिम्मत और क्षमता मिलता है। ये बहुत सौभाग्य है और मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप महिलाओं को भी प्रेरित करें, क्योंकि महिलाओं में वो क्षमता है कि जिस दिन वो डिसीजन ले ली उस दिन वो बहुत कुछ कर सकती है। आज मैं सरिता मैम, सीतामणि दीदी को सैल्यूट करती हूँ जो कि आज उन लोग इतना हिम्मत करती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं अपने मतलब पूरे इलेक्शन परिवार को सैल्यूट करती हूँ जो कि आज कोरोना के टाइम पे एक एक पेशेंट को हर घर में जा करके अपनी बीमारी से लड़ते हुए सभी लोगों का सेवा किए और सभी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे ठीक हुए। तो रिजल्ट का और क्या इंतजार है, जब समझ में आए बस डिसीजन लेना है कि अब हमको करना क्या है। उसके बाद
बस एक लाइन में हम यहाँ पे सोच लिए कि अब हमको जो भी करना है सिर्फ मेरा एलेक्स, एलेक्स के अलावा कोई दूसरा नहीं। मेरा घर में एक एक सामान, एक एक प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एलेक्स का यूज होता है। एक एक प्रोडक्ट को हम अपने घर पे पहले यूज करते हैं, उसके बाद लोगों पे, क्योंकि अगर हम एक एक प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब लोग को हम क्लियरली बताएंगे। बहुत कंपनी में होती क्या है कि मेरे कंपनी में साबुन है, उस साबुन से हम नहाएंगे नहीं और बड़ा बड़ा भाषण मारेंगे कि मेरा ये साबुन है, मेरा ये पेस्ट है। लेकिन हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे एक साबुन भी जो है वो हम लोग खुद यूज करते हैं, अपने घर पे उससे कपड़ा धोते हैं, खुद नहाते हैं, तब कहीं जाकर के दूसरे लोगों को हम बताते हैं। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि यहाँ पे नहाने से भी पैसा आता है, धोने से भी पैसा आता है। तो इस तरह से मैं ज्यादा टाइम भी नहीं है तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग डेली जूम मीटिंग अटेंड कीजिए। अब विश्वास आप नहीं कीजिएगा, मेरे घर में रात को शादी है, मेरी ननद का भी विदाई है, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं मुझे मीटिंग में बैठना है, मुझे करना है, और रात भर नहीं सोई हूँ और अभी मैं मीटिंग पर हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि मैं एलेक्स में हूँ और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हूँ। मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं 50,000 का भी कभी लाइफ में पेआउट देखूंगी, लेकिन आज मैं वो इनकम कर रही हूँ। कभी मैं सपने में नहीं सोची थी कभी मैं बैगन और गाड़ी लूंगी, ये कभी नहीं सोची थी, लेकिन वक्त एलेक्स ऐसा करा दिया कि कभी 25,000 का मोबाइल में सपने में मैं सोची थी कि मैं खरीदूंगी, लेकिन वक्त सारा चीज ये करा दिया। मेरे घर में कभी टावर नहीं पकड़ता था, लेकिन आज सौभाग्य है कि आज मोबाइल के माध्यम से आज मेरा नेटवर्क ठीक है और मैं मीटिंग्स दे पा रही हूँ। तो आप एलेक्स में मतलब एकल मन धन वो दे करके आप एक बार देखिए, देखिए अगर आप दूसरा बार, इससे बेहतर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। सुपर एलेक्स जी, सुपर एलेक्स मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने भी जो बातें कही हैं वो वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही एनर्जाइज करने वाली बातें हैं मैडम। और आप तीनों जो देवियां हैं हमारे टीम की, सीतामणि जी हो गई या सरिता मैडम हो गई या आप हो गई, आप तीनों देवी का रूप है हमारे लिए और हमारे पूरे टीम के लिए। आप एक उदाहरण है जिससे महिलाएं जो है इंस्पायर हो सकती है। मैं नतमस्तक होकर आपको एक बार फिर से पुनः आप तीनों देवियों को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भविष्य में आप बहुत बड़ा और शानदार बिजनेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके साथ ही साथ हम लिए चलते हैं सीधे सीधे, समय काफी कम है। शिबू सोरेन सर, मैं विशेष तौर पर आपको इन्वाइट कर रहा हूँ और बड़ा ही खुशी महसूस हो रहा है आपको इन्वाइट करते हुए, क्योंकि आपके बारे में मैंने ये जाना है, समझा है, जब से देख रहा हूँ आपको बड़ा ही एनर्जेटिक और एनर्जाइज लीडर है आप। आपकी जोरदार तालियों के बीच, शानदार तालियों के बीच मैं स्वागत करता हूं हमारे शिबू सोरेन सर का। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शिबू सोरेन सर। सुपर एलेक्स शिबू सर, बोल रहा हूं क्या कल हूं मुझे वीडियो ऑफ कर लीजिए शिबू जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है सर? यस, वीडियो ऑन करने से नहीं जाती है, आवाज नहीं आ रही। तो आज मार्केटिंग भी है कि मैं लाइव मार्केटिंग चाहता जब इंटरपर में जब मतलब का उम्र लेकिन मार्केटिंग से मैंने सारे हिस्सा आया विलय तक सुना किया, लेकिन इस मैं खा कई जो नेटवर्क मार्केट है बारे में उसका टिप्स भला जिससे क्या हो कि मैं करवाता है कि सब करो। एक बार जो है शिबू जी, आप अपना जो है ना माइक जो है म्यूट करके फिर से जो है ऑन कर लें, और हो सके तो अपना जगह भी थोड़ा चेंज करके देख लें सर। तब तक हमारे बीच में नेट को जो है ना रिमूव। आवाज आ रही है सर? यस यस, आवाज आ रही है। यस यस सर, कई सारे लोग का परेशानी होती है
कि नेटवर्क मार्केटिंग में से गांव घर के लोग होते हैं, लेसन वाला रुकते हैं। दोस्तों मेरे ऊपर मेरे पिताजी का मेरा मम्मी का ये अपडेट रहा कि हमको कभी भी कोई भी चीज में भी बाधा नहीं आला, जो कि आज मैं इंटर फर्स्ट से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और काफी इंजॉय रहा नेटवर्क मार्केटिंग से। देखा जाए मैं 2009 से पहले मेरा घर में कोई पाई भी नहीं थी, लेकिन आज नेटवर्क मार्केट का पर है। आज मेरा घर में 3-3 बाइक है, इसमें 4-व्हीलर भी मैंने ले चुका था और कुछ दिन 3-4 साल रखा, फिर अभी तो फिर एलेक्स फिर बाइक कार लेने वाला हूँ। तो दोस्तों आज देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि कई सारे लोग परेशानी होती है, तो मैं उन लोग को एक ही कहना चाहूंगा कि रेस चाहे गायों की हो या जिंदगी की, जीतते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। दोस्तों हम एलेक्स में इतना हौसले बना के दौड़ रहे हैं, सारे लोग दौड़ रहे हैं, जो आने वाला समय है हमारा फ्यूचर, हम लोग भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे मिले हौसले हर गम और सितम से, जो लोग कल हंसते थे वो आज सैल्यूट करते हैं दोस्तों, क्योंकि सही बात है। अब कहीं पर भी शुरू जगह पे आप काम करें इनकम बड़ा नहीं बना पाते हैं तो लोग हंसते हैं, झोला लेके निकलते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन आज दो हर एक दिन कुछ नया नया चेंजिंग, हम हर दिन वालों को लोगों को चेंजिंग देखते हैं, हर एक दिन अलग अलग चीज देखते हैं, तो लोगों का अभी लग रहा है कि ये सही रास्ता है, कोई टोकते हैं लेकिन कोई हिम्मत नहीं देते हैं कि तुम करो आगे बढ़ो, लेकिन आज करने के बाद आज हर एक आपके पीछे आते हैं दोस्तों। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा, दुनिया में सब चीज मिलती है, अपनी गलती नहीं मिलने के लिए हम लोग गलती आगे नहीं करना है और गलती है तो ज्यादा ही आज ऐसा है कि जो आज हर से पहले आप संतुष्टि कीजिए, घर वाला लोग से आपको हमेशा थॉट में रहिए, घर वाला लोग आपको हमेशा साथ दे तो आपका बिजनेस में हमेशा एनर्जी पहुंचेंगे। होती है तो आज हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में आज वाला बड़े अपलोड बड़े लोग सिस्टम में लेके आए बड़ा लोग हो जाता है आन के चलते नहीं प्रोडक्ट के चलते, जब प्रोडक्ट को भी समझ में आता है तो आन समय बिजनेस आन भी समझ आता है कि इस प्रोडक्ट से करके हम लोग कितना कर सकते हैं, टाइम काम कर रहे हैं टाइम के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज लोग शिवू जी आपका जो है लग गए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवू जी, आपका वॉइस कट जा रहा है इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जी सर, शिबू सर फिर किसी और अगले मीटिंग में आप थोड़ा सा नेट का ध्यान रखें, क्योंकि सर अभी भी जो बात कहा है आपने कुछ बहुत शानदार बातें रही, लेकिन कुछ नेट का प्रॉब्लम होने की वजह से जो है ये नहीं आ पाई, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। बाकी आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। और इसके साथ साथ मैं सीधे लिए चलता हूँ साथियों आपको एक और ऐसे उदाहरण, जिन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद एलेक्स को करना स्टार्ट किया और किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने एलेक्स को बिल्ड किया। ऐसे एक शानदार लीडर को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहता हूं, और जब ताली आप बजाएं तो दोस्तों मैं अगर बोल रहा हूं आप जहां है वहां रहते हुए ही ताली बजाएं, और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करता हूं हमारे जबरदस्त डायनेमिक लीडर मिश्रा सर का। सर स्टेज इज योर्स, आप सर कंटिन्यू करें। जी सर, मिश्रा सर जय हिंद, सुपर एलेक्स, और सुपर एलेक्स वक्त बहुत कम है, आओ कुछ इतिहास रच लो, थोड़े लोगों को हम जगाते हैं और कुछ लोगों को आप जगा दो। Yes. Myself सोमनाथ मिश्रा, और मैं जो है अभी बंगाल से आसानसोल से बोल रहा हूँ, और काफी एक्साइटेड हूँ, इतने सारे लीडरों ने वो सारी बातें कहा कि जो है एकदम दिल को छू गया,
और सभी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, आज बैठे हुए हैं जितने लोगों ने आज जो है बताया वो सारे जो है शानदार, उन सब से जो है हम सब सीखते हैं और आगे जो आने वाले हैं वो इससे भी शानदार। और उसी के बीच में मैं सोमनाथ मिश्रा एक बात कहना चाहूंगा कि गर तुझे मोती चाहिए, गर तुझे मोती चाहिए तो लहरों को तोड़कर बीच दरिया में जाना होगा। यस, गर तुझे मोती चाहिए तो लहरों को तोड़कर, लहरों से लड़कर बीच दरिया में जाना होगा, वरना यूं ही बच बुचा के खुद को बचाते हुए किनारे किनारे चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ कंकड़ पत्थर ही हासिल होने वाले हैं। यस 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 दोस्तों, तो जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में जो है रिटर्न आता है। इतने सारे लोग जो है आज घर बैठे, इनके साथ एक बहुत शानदार चीज है कि इनके साथ एक सपने जुड़े हुए हैं, ये अपने सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं और उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि ढेर सारे लोग जो है एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ लोग जो है कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कठोर निर्णय और उसके ऊपर परिश्रम और उसके ऊपर जो है अमल करना और निरंतरता का जो है कहीं ना कहीं बात होती है। दोस्त, ये जो सारे लोग हैं ये अच्छे स्वास्थ्य को जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो है आयुर्वेदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे जो लोग बोल रहे थे वो शानदार जीवन को जी रहे हैं, जहां लोग डर डर के नौकरी की, डर डर के जो है जीवन की पग पे डाल रहे हैं, वहीं जो है ये शानदार जीवन को जी रहे हैं। ये जितने भी लोग आए थे अभी, ये सारे अपने पारिवारिक जीवन को, माई सेल्फ खुद, जैसे सर ने बोला मैं आर्मी से बैकग्राउंड रहा है मेरा और मैं आर्मी में जो है अपना जीवन को दिया हूं और मैं जानता हूं परिवार क्या चीज है। आज इस बिजनेस को मैं इसलिए कर रहा हूं कि दो रोटी, बोलते हैं पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है लेकिन दो रोटी, चंद रोटी जो है अपने बच्चों के साथ खा पाना। और आज मैं शुक्रगुजार हूं इस नेटवर्क इंडस्ट्री का, शुक्रगुजार हूं एलेक्स का, जो आज घर बैठे मैं पूरे परिवार के साथ जो है खाना खाता हूं एवरी डे, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। तो परिवार अपने साथ है, ये सारे लोग अपने आशापूर्ण जी रहे हैं, ये पारिवारिक को जी रहे हैं, यानी कि जिसका नाम सक्सेस है। और आज सक्सेस का एक छोटा सा सूत्र आप सबके सामने रखना चाहूंगा, ये जितने भी लीडर है चाहे वो हमारे रिगल स्टार पारसनाथ सर ना हो, चाहे वो यहाँ पे बैठे हुए सारे बेगा स्टार्स क्यों ना हो, और चाहे कि ये जितने भी लोग बोल के गए आज इनका परमानेंट इनकम है और उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका निर्णय उनका डिसीजन कहीं ना कहीं काम करता है और उस डिसीजन के ऊपर निरंतर काम। दोस्त, यदि आप जेरोक्स मशीन के सामने एक कोरा कागज को डालोगे, एक जेरोक्स मशीन के नीचे अंदर यदि आप व्हाइट पेपर को डालोगे और उसका जेरोक्स निकालोगे तो व्हाइट पेपर ही निकल के आएगा। यदि आप क्रॉस मार्क डाल के उसको पेपर को यदि डालोगे जेरोक्स निकालोगे तो क्रॉस मार्क ही निकल के आएगा। अगर यदि राइट मार्क डाल के निकालोगे तो राइट ही निकलेगा। अगर यदि आप अपने घर जमीन जायदाद और करोड़ों संपत्ति का लेखा जोखा डालोगे तो वही जो है उसका प्रिंट आउट निकालेगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, जो काम हम करेंगे उसी के रिजल्ट हमारे को मिलना होगा। और आज ये जितने लीडर, आज यदि मैं यहाँ शाम से बैठा हुआ हूँ तो मेरा निर्णय क्लियर है और मैं आप सबको जो है अवगत कराना चाहूंगा। इतना बड़ा बिजनेस, आज एलेक्स इंडस्ट्री को जो है धन्यवाद जो उन्होंने हमारे को एक शानदार सिस्टम दिया, वो क्या है, 1100 बीबी का सिस्टम। यस, 1100 बीबी का सिस्टम। और मैं कहना चाहता हूं कि इस 1100 बीबी का निर्णय यदि किसी ने एक साल के लिए ले लिया तो ये वादा है कि यदि आपने 1100 बीबी का निर्णय अपना ईमानदारी से ले लिया और यही चीज को यदि लोगों को आप इन्फॉर्म करते रहे तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस जा सकता है। क्या है ये 1100 बीबी और क्या फायदा है इस 1100 बीबी का? ये कोई जबरदस्ती नहीं दोस्त, ये तोहफा है हमारे CMD सर के तरफ से, ये एलेक्स इंडस्ट्री की तरफ से 1100 बीबी के ऊपर काफी सारे तोहफा है। हर बिजनेस जिनको हम जानते हैं, हर बिजनेस सिस्टम में क्या होता है, जब भी आप सामान खरीदते हो नेटवर्क इंडस्ट्री में प्योर सामान मिलता है, हमारे एलेक्स में भी मिलता है, हाँ थोड़ा ज्यादा प्योर है। बाकी कंपनियों में क्या होता है कि जो है कहीं ना कहीं से खरीद के मार्केट के प्रोडक्ट को बिजनेस करते हैं, बट हमारे पास खुद की इंडस्ट्री है, हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का लैब है, हम जो है उस जगह पे कई जुड़ा। लेकिन उसके अलावा भी हर कंपनी में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है, हमारे कंपनी में भी दोस्त डिस्काउंट दिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नया बात नहीं है, बाकी कंपनियों में यहाँ पे भी जो है 30-40% हर खरीदारी में जो है आपको एक डिस्काउंट के रूप में दिया जाता है। हर बिजनेस में कैशबैक आता है, आपको हर बिजनेस में जो है सीनियरिटी के साथ और पुराना होने के साथ साथ आपका लेवल ग्रेड अप होता है, हमारे कंपनी में भी होता है, आपका ग्रेड अप होगा, आप 8% से लेकर 30% जा सकते हैं और उसके एवेज में जो है आपको रिटर्न आएगा कैशबैक के रूप में। ये हमारे कंपनी में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन कुछ बड़ी बात है जिसको आज हम चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं। ये कंपनी आज जो है आपको कुछ खास देते हैं, इसके अलावा कई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देते हैं, कई सर्टिफिकेट्स देते हैं और ऊंचे दर्जे में आपको काम करने का मौका देता है। वो क्या है, 1100 बीबी। ये 1100 बीबी ही है जिसके बदौलत आज घर बैठे वो लोगों का जो है इनकम बन रहा है, क्योंकि ये परमानेंट बिजनेस का एक सूत्र है, परमानेंट इनकम का एक सूत्र है। आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं हो सकता। बस ये 1100 बीबी हमारे को क्या देता है दोस्त, आप यदि जान गए और लोगों के पास प्रेजेंट कर दिए तो आपका और हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, दिन दुनी रात चौगुनी हो सकती है। जब आप नए रहते हैं तो आपको जो है इसी के ऊपर जो है आपको शूटिंग, मतलब इसी के यही आपको कभी शूटिंग, ये जो है मुझे गर्व है कि आज मैं शूटिंग का जो है ये ट्रॉफी लेके बैठा हूं, तो यही आपको यहां तक पहुंचाएगा, यही आपको जो है ग्लोबल पहुंचाएगा और यही जो है आपको शुरुआती दिनों में अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी पैसा दिलाएगा, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलता है, बूस्टर रॉयल्टी। तो दोस्त मैं बोल रहा था यहाँ पे हमारे को जो है कैशबैक मिलता है, हमारे को यहाँ डिस्काउंट मिलता है हर कंपनी की तरह। यहाँ पे हमारे को जो है लेवल डिफरेंस इनकम भी मिलता है अपने डाउनलाइन से, जैसे हर कंपनी में मिलता है। लेकिन खास क्या मिलता है, खास मिलता है हर कंपनी में हमने आज तक सुना है कि एक अपलाइन होता है और एक डाउनलाइन होता है, और जो डाउनलाइन काम करता है उसका बेनिफिट अपलाइन को जाता है। लेकिन ये एलेक्स पहली बार ऐसा प्लान लॉन्च किया कि आप 1100 बीबी का बिजनेस करिए और लोगों को कराते रहिए तो आपको अपलाइन का किए हुए काम का भी पैसा आ सकता है। क्रॉसलाइन होता है, बाकी कंपनियों में क्रॉसलाइन के साथ भेदभाव होता है, टीम तोड़ने और तोड़ का काम होता है। एलेक्स बोलता है कि क्रॉसलाइन को भी जो है आप यही बात बताओ, क्रॉसलाइन का बेनिफिट आपको आएगा और आपका बेनिफिट क्रॉसलाइन को जाएगा, यानी कि सबका विकास, सबका फायदा सबके द्वारा। तो ये 1100 भी हमारे को क्या खास देता है, आइए बात करते हैं। कई टाइप के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देता है, कई के सर्टिफिकेट देते हैं, साथ ही जो है ये 1100 भी आपको हमारे देश का किसी भी हिस्सा में नेशनल टूर करने का मौका देता है दोस्त, सिर्फ सामान खरीद के, सिर्फ और सिर्फ सामान खरीद के। आज तक जो है टूर एंड ट्रैवल अचीवमेंट को बाकी कंपनियों ने हवा बना के रख दिया था, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एवरेस्ट के चोटी में जाके जो है आपको ठहरना पड़ेगा। अब बंदा एवरेस्ट के चोटी में जाते जाते मर जाएगा बीच में तो क्या होगा। लेकिन एलेक्स ने बोला है छोटा सा काम करो, कुछ खुद करो और कुछ लोगों को करना सिखा दो, खुद जो है करो और कुछ लोगों को करना सिखा दो, आपके पास इनकम आएगा। तो 1100 बीबी के बदौलत आपको जो है इंटरनेशनल नेशनल टूर मिल सकता है, शानदार। लास्ट हमने गोवा घूम के आए, बहुत सारे लोग शिमला घूम के आए, तो आप भी घूम कर सकते हो, आप भी घूम फिर सकते हो 12 महीना 1100 बीबी का बिजनेस करने के बाद, यानी कि एक रेगुलर परचेजिंग 12 महीना करने के बाद। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो 9 महीना भी यदि आपने कर लिया, 12 महीना नहीं कर सकते हो 9 महीना भी कर लिया, तो आपको हर महीना 500 रुपया के एवेज में एक साथ 4500 का प्रोडक्ट जो है गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। हेलो, 1100 बीबी का बिजनेस यदि आप लगातार 12 महीना करते हो तो टूर एंड ट्रेवल मिलेगा, यदि नहीं कर सकते हो तो आपको जो है 4500 का प्रोडक्ट, यानी कि हर महीने के हिसाब से 500 रुपया के हिसाब से आपको जो है फिर अगेन जो है बैक किया जाएगा, तो वो जो है आप एक साथ ले सकते हो 9 महीना बाद। अगर 9 महीना भी नहीं कर सकते हो, 3 महीना करते हो तो उसी महीना से आपके पास जो है 2 लाख का बीमा फ्री में चालू हो जाता है, 2 लाख का इंश्योरेंस, यस फ्री में 2 लाख का इंश्योरेंस, उसमें चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट भी है। नहीं चाहता हूं खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, तो दोस्त एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 1100 भी आपको शानदार जीवन दे सकता है। एक बार फिर, वक्त बहुत कम है, काम होते हैं ज्यादा, बोलने का फुर्सत नहीं है और लीडरों को हम लोगों को सुनना है, तो मैं जो है बिल्कुल वक्त की जाया ना शानदार जीवन जीना है। लाखों रुपए कमाने के लिए हम लोग यदि इस बिजनेस में आए हैं, हर एक पान दुकान डेली का 500 रुपया, डेली का 200 रुपया कमाने के लिए एक गुमठी लगाना पड़ता है, एक निर्णय लेना पड़ता है, तो आपको भी निर्णय लेना है। यदि 3000 की 2500-3000 की खरीदारी हर महीना करना पड़ा तो 12 महीने में कितना बनता है, 36 से 40 हजार, और 36 से 40 हजार का निर्णय वो भी एक बार में नहीं पे करना है आपको, 12 महीने में पे करना है, पे भी नहीं करना है आपको, उसके रिटर्न में पैसा आएगा, इंश्योरेंस मिलेगा, टूर एंड ट्रैवल मिलेगा, और साथ में जो है एक बार फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा, और यही प्रोडक्ट आपको स्वास्थ्य भी देगा, आपका परिवार के साथ जिंदगी भी देगा और इनकम भी देगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार सबको जो है सोमनाथ मिश्रा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, और मैं कहूंगा कि मिलते रहेंगे, एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे, जगते और जगाते रहेंगे एक दूसरे को। तो आइए
सक्सेस के लिए जो है अगला कदम। जय हिंद सुपर एलेक्स गो सक्सेस सुपर एलेक्स। थैंक यू सुपर एलेक्स मौका देने के लिए। बहुत सर पारस सर एक बार अगर हो सके तो सारे लोगों को अनम्यूट किया जाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए जब कोई चीज सीखते रहते हैं ना तो होता क्या है कि जब थोड़ा समय बीतता है तो कुछ लोगों को नींद वींद भी आने लगता है। एक्चुअली क्या है कि अभी जब मिश्रा सर बोल रहे थे तो मैंने ये स्क्रॉल किया अपना स्क्रीन और मैंने देखा कि 2 से 3 लोग ही मुस्कुरा रहे हैं, बाकी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे 10-10 हजार रुपया लेने वाला हूं मैं या फिर मीटिंग खत्म होने के बाद दुनिया का विनाश होने वाला है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आप एक्साइटेड रहें, आप उत्तेजित रहें, आप उत्साहित रहें क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। अगर मैं कहूं कि अगले महीने आपको एक बढ़िया सी कार मिलने वाली खुश नहीं होंगे, अगर मैं कहूं कि 6 महीना साल भर बाद आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया महीना आने वाला है खुश नहीं होंगे, हमेशा हंसते रहेंगे। आप याद कीजिए वो दिन। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब शादी हुई थी आपकी, बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं यहाँ, जब शादी हुई थी शादी से एक दिन पहले कितना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मेरी शादी होने वाली है, मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित था, मुझे तो रात भर नींद नहीं आया था कि कल मेरी शादी होने वाली है। और दोस्तों उस दिन पहले कैसा होता है फील, वो फीलिंग आपको होना चाहिए क्योंकि आपके जीवन में कुछ होने वाला है। ठीक उसी तरह जिस तरह शादी से पहले आपको फील होता रहता है दोस्तों, ये बात अलग है, ये बात में बहुत ज्यादा ये शोध का विषय है कि शादी से पहले तो आदमी खुश रहता है लेकिन शादी के बाद क्या होता है स्थिति, ये बात पे चर्चा नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि लोगों की अपनी अपनी बात है, हर आदमी का वो स्थिति है। लेकिन जो एक्साइटमेंट पहले रहता है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी पत्नी धर्म पत्नी जी ने ये बात नहीं सुनी। बहरहाल दोस्तों शादी से पहले जो एक्साइटमेंट रहता है ना, वो एक्साइटमेंट आपको यहाँ रहना है। दोस्तों आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, आप लखपति बनने वाले हैं, आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप आलीशान बंगला में रहने वाले हैं, आप आलीशान गाड़ी में घूमने वाले हैं, आपके बच्चों का लाइफ बढ़िया होने वाला है, तो आप उत्साहित रहें। और एक बार आप उत्साहित हैं, आप इस मीटिंग में बने हैं, आप कहीं और नहीं है, शरीर रूप से यहाँ और ऐसे और नहीं है, बात क्या आप एक बार सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट करके ताली बजाएं जी, जोरदार ताली एक बार आप सभी एक बार ताली जोर से। चलिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगा कि एक गलतफहमी हो गया था मुझे कि हो सकता है लोग यहाँ नहीं है, लेकिन आप सभी लोग से बने हुए हैं, इसका आपने उदाहरण अभी पेश किया है। साथियों अब जो समय है, मैं क्यों आप लोगों को जगाया, हो सकता है कहीं इधर उधर दिमाग चला गया हो, तो मैंने आपको जगाया है एक छोटा सा ये बीच में आपसे ताली बजवा के, इसलिए क्योंकि अब ये जो लोग आने वाले हैं ना, 3 लोग हैं हमारे पास, 3 हीरा है, 3 मोती है जो अभी आपके सामने उपस्थित होंगे और इनका एक एक शब्द आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है। कौन सा बात आपके जीवन में बदलाव ला दे और आपका साथ पुश कर जाए ये आप नहीं कह सकते दोस्तों, इसीलिए अभी जागे रहना जरूरी है। और अब ज्यादा देर नहीं, अब लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर हम सारा समापन करेंगे, पारस सर भी इस बीच हमारे बीच आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करूंगा हमारे एलेक्स के एक ऐसे स्तंभ की, एक ऐसे खंभे की जिनका एलेक्स में होना ही अपने आप में एक शानदार बात है। जो जिनका नाम अगर हम लेते हैं ना कि एलेक्स के अंदर किस लीडर की बात कर रहे हैं, फलाना लीडर की, तो उनका नाम ही काफी है दोस्तों। ये ऐसे शानदार लीडर है, ऐसे जानदार लीडर है जिनसे आप अभी रूबरू होंगे, तो आपकी जोरदार और शानदार तालियों के बीच मैं स्वागत करता हूं हमारे जबरदस्त बहुत ही शानदार मेगा स्टार मिस्टर फारूक अंसारी सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के बीच में, आप सब स्वागत करें हमारे जानदार शानदार और जबरदस्त लीडर। एक बार माइक अनम्यूट कर ले। सुपर एलेक्स सभी को मेरे तरफ से, आज की ये सेशन बहुत जबरदस्त लग रहा है कि हम लोग एक जगह एक ही हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ये सेशन जो है काफी शानदार रहा है। तो आज जैसे कि हमको जिम्मेदारी अपनी प्लान सेशन को प्रेजेंट करने के लिए दिया गया है, तो बखूबी हम चाहेंगे कि कम समय में, काफी 2 घंटा लगभग समय हो चुका है, तो कम समय में हम इस प्लान को दे पाए। जैसे कि अभी आज हमारे सहयोगी में ज्ञानेश सर हमारे साथ रहेंगे जो कि ओपीपीटी अपना चलाएंगे और हम यहाँ से प्लान शो करेंगे।
पवन जी जैसे आप कर रहे बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई एंकरिंग जबरदस्त रहा है। और जैसे मिश्रा सर ने अभी 1100 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बताया, जितने भी लीडर बहुत ही शानदार सबका स्पीच अभी तक रहा है, सबका एक से किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका अच्छा रहा है इसका अच्छा रहा है, सबका एक से एक रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम प्लान की ओर चलते हैं कि आज जो 1100 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो फोकस किया गया, अगर इसी को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं तो क्या करियर लोगों का बन सकता है। तो हम ज्ञानेश सर को चाहते हैं कि आज हमारे सपोर्ट में वो आए, सहयोग करें और स्क्रीन पे आज जो हम लोग करियर बताने जा रहे हैं तो स्क्रीन पे वो अपना रखेंगे कि बूस्टर कैसे किया जाता है और बूस्टर से लोगों का करियर कैसे बन सकता है। जो मिश्रा सर 1100 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो फोकस किए, अगर इसी को हम प्रमोट करते हैं तो क्या हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी ये शो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम करियर अपना स्टार्ट करते हैं कि किसी का भी करियर कैसे बनेगा। तो दोस्तों 1100 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर मिश्रा जी बताया, बस कंटिन्यू आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फोकस करना है और एक छोटी सी टीम क्रिएट करना है। एक छोटी सी टीम आप क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आप बूस्टर रॉयल्टी करना चाहते हैं तो छोटी सी दो छोटी छोटी टीम, तीन चार छोटी टीम अगर आप खड़ा करते हैं और मात्र 10 लोग को अगर 1100 बिजनेस वॉल्यूम जो आप कर रहे हैं बस उसी को आप सिखाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मान के चलते हैं टीम ए, टीम ए में 5 लोगों को और टीम बी में 5 लोगों को। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी एक टीम में, जी हाँ इसको एक आप ध्यान से इस प्लान को सुने क्योंकि बहुत इसमें मार्केबल बात है। टीम ए और टीम बी यहाँ दो ही टीम दिखा रहे हैं, लेकिन किसी एक टीम से 5 लोगों को अगर आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम करा लेते हैं और टीम बी से भी अगर 5 लोगों को करा लेते हैं तो बूस्टर अचीवर्स बनते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप किन्हीं 2-3 टीम 4 टीम मिला के भी अगर आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम करा लेते हैं 5 लोगों से, मतलब 3 ABCDEF से भी 5 लोगों के माध्यम से हो जाता है तो भी बूस्टर अचीवर्स आप यहाँ पे कर जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि दोनों टीम में 5-5 होना चाहिए, लेकिन किन्हीं एक टीम में ये शर्त है कि 5 लोगों का बूस्टर 1100 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। दोस्त अगर ये चीज होता है तो भी बूस्टर रॉयल्टी ये 18 तारीख तक आपको करने की है। अगर 18 तारीख तक आप इसको कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे पहले आपका फास्ट लेवल जो यहाँ साइड आपको दिख रहा है राइट साइड में, कि अगर आप का टोटल बिजनेस 12100 बिजनेस वॉल्यूम होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 12100 बिजनेस वॉल्यूम होने पे आपका लेवल 18% होने का था, लेकिन कंपनी ने आपको फास्ट 23% का लेवल दिया है और कंपनी टर्नओवर का 5% रॉयल्टी का हिस्सेदारी बनाई। तो आइए चल के हम देखते हैं छोटी सी टीम क्रिएट करके क्या इनकम करते हैं। तो सेल्फ हमारा बिजनेस जो रहा है वो 1100 बिजनेस वॉल्यूम जो कि 23% में है तो 253 रुपया। एक छोटी सी टीम हम क्रिएट किए ए, अगर उस टीम की हम बात करें तो वो टीम मेरा 18% में है और हम 23% में है तो यहाँ पे देखते हैं कि 5% का डिफरेंस 275 रुपया। उसी तरह दूसरा टीम आप बी क्रिएट किए हैं, आप 23% में है और आपकी टीम जो है 18% में है तो वहां से आपको 5% डिफरेंस 275 रुपया। जी हाँ दोस्त, ये आप अगर देखते हैं टोटल इनकम तो 803 रुपया होता है और कंपनी टर्नओवर से जो बूस्टर रॉयल्टी आप बिलीव नहीं करेंगे जो कि एक शानदार रॉयल्टी जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी ये शेयर हो रहा है 1200 रुपया। दोस्त ये सारा इनकम को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल इनकम हमारी यहाँ पे 2003 रुपया। ये हमारी कंपनी मॉडल 1 रखा दोस्त। अगर ये चीज नहीं हो पाता है तो निराश नहीं होने का, क्योंकि कंपनी ने सारे इलेक्शन को गरीबी से उभारने के लिए एलेक्स पैदा हुआ है। मॉडल 2 हम देखते हैं कि मॉडल 2 अगर ये चीज नहीं हो पाता है तो मॉडल 2 कैसे करना है। दिया दोस्त, छोटी सी टीम क्रिएट इसमें भी करना है, टीम ए टीम बी टीम सी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेड नहीं है, लेकिन किन्हीं एक टीम से ये याद रखना है किन्हीं एक टीम से 7000 बिजनेस वॉल्यूम होना आपका अनिवार्य है। बाकी आपका बी सी डी ई एफ जितने भी टीम है उस टीम से अगर आप 7000 बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो भी आप बूस्टर रॉयल्टी लेने का हकदार बन जाते हैं। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपकी टोटल बिजनेस टीम ए से आपका 7000, टीम बी से 7000, आपका पर्सनल 1100 बिजनेस वॉल्यूम, टोटल 15100 बिजनेस वॉल्यूम होता है। दोस्त स्क्रीन पे हम जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे भी आपका लेवल देखा जाए तो आपका लेवल जो है ओनली 18% का लेवल होना था, लेकिन कंपनी में आपको फास्ट लेवल जो है 23% का लेवल आपको दिया है। तो दोस्त जैसे ये चीज करते हैं तो यहाँ भी 5% रॉयल्टी लेने का आप हकदार होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपकी इनकम एक छोटी सी बिजनेस करके क्या हो पाता है। तो पर्सनल सेल्फ बिजनेस आपका 1100 बिजनेस वॉल्यूम है तो 1100 बिजनेस वॉल्यूम का आपको 253 रुपया 23% के आधार से। छोटी सी टीम आप एक क्रिएट किए हैं तो आप 23% में है, आपकी टीम 18% में है,
तो 7000 का 5% डिफरेंस यानी 350 रुपया आपकी बी टीम से, बस उसी तरह 350 रुपया टोटल आपका इनकम अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 953 रुपया। आप समझ पा रहे होंगे ये एक छोटा सा टीम क्रिएट करके 953 रुपया। जी हाँ दोस्त, जो 12100 बिजनेस वॉल्यूम किया उसको भी यहाँ पे रॉयल्टी सेम मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा 1200 रुपया। तो टोटल इनकम 2153 रुपया छोटा सा टीम क्रिएट करके आप कर सकते हैं दोस्त। इसके आगे फिर कंपनी ने क्या किया कि अगर ये चीज 25 तारीख तक नहीं होता है तो इसका करने का जो है 25 तारीख तक अगर ये चीज नहीं होता है तो आप क्लोजिंग मंथ यानी कैलेंडर मंथ जिस भी आप महीना पे चल रहे उस महीने की लास्ट तक फिर आप किन्हीं एक टीम से 15000 होना चाहिए, बाकी सारे टीम मिला के 15000 आप करते हैं और अपना सेल्फ 1100 तो भी आप बूस्टर अचीवर्स बन जाते हैं। कोई बॉन्डेड नहीं है, अगर दो लोग से भी आप 15000 रुपया करा दे 15000 बिजनेस वॉल्यूम करा देते हैं तो भी आप बूस्टर रॉयल्टी लेने का हकदार हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपका एक छोटा सा बिजनेस मात्र 15000 टीम ए 15000 टीम बी आपका पर्सनल 1100 टोटल 31100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। अगर इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आपका लेवल ओनली 23% का होने का था लेकिन कंपनी ने आपको 49000 माफ करते हुए आपको डायरेक्ट 30% का लेवल दिया गया देती है कंपनी, जबरदस्त दोस्त। और यहाँ भी आपको कंपनी टर्नओवर से 5% जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 5% रॉयल्टी आप लेने की हकदार बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम इनकम देखते हैं कि अब आपको आपकी पर्सनल 1100 बिजनेस वॉल्यूम का 30%, जी हाँ पहले मिल रहा था 23%, अब मिलेगा 30% के आधार से 330 रुपया। अब छोटी सी टीम ए जो है उससे क्या मिलेगा तो वो आपके टीम जो है 18% में है क्योंकि 15000 पे वहां पे हम देखते हैं तो 18% का लेवल उसका होता है और आपका लेवल जो है वो 30% यहाँ से डिफरेंस 12% यानी 1800 रुपया टीम ए से, फिर आपका टीम बी से बस उसी तरह से 1800 रुपया। और यहाँ पे अगर टोटल इनकम आपका यहाँ देखते हैं तो आपका पर्सनल 330, आपका टीम ए जो है वो 1800, टीम बी 1800 और टोटल 3930 रुपया इनकम हो रहा है जो कि ये परफॉर्मेंस बोल सकते हैं और 1200 रुपया आपका कंपनी टर्नओवर से 5% रॉयल्टी। टोटल इनकम यहाँ पे देखते हैं दोस्त, एक शानदार इनकम 5130 रुपया। जी हाँ दोस्त, बस अब नाराज होने की जरूरत नहीं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसी को अगर हम एक दुकान खोल के अगर हम करते हैं तो क्या इनकम हो सकता है जबरदस्त। अगर हम लोग बार बार मीटिंग में भी बोलते हैं छोटा एडीएस के ऊपर फोकस कीजिए, एडीएस के ऊपर फोकस कीजिए, एडीएस के अभी आपको जानकारी देते हैं शानदार जो कि आपको लगेगा वाकई एडीएस करके ये चीज करना चाहिए। तो एक छोटा सा आप 25000 का इन्वेस्ट किए और 25000 इन्वेस्ट करके अगर वही बूस्टर अपने टीम में आप कराते हैं, अपने टीम को अगर आप सर्विस देते हैं और बूस्टर अचीवर्स बनते हैं या बनाते हैं तो क्या इनकम हो पाता है उसको आपको स्क्रीन पे शेयर करते हैं। जैसे मान के चलते हैं मॉडल नंबर 1 जो है अगर 12100 आपकी एडीएस से अगर 12100 बिजनेस वॉल्यूम वाला फर्स्ट मॉडल को आप करते हैं तो 605 रुपया आपको 5% जो कंपनी जो एडीएस की इनकम देती है तो 605 रुपया। अगर मॉडल 2 करते हैं तो 755 रुपया और मॉडल 3 करते हैं तो 1555 रुपया एडीएस का इनकम। लेकिन यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का आपको 2% 15000 की मात्र सेल पे दे रही है तो आपका यहाँ सेल बहुत ज्यादा हो रहा है जो कि स्टॉक मेंटेन आपको 10 तारीख तक करने की है दोस्त। तो आपकी रॉयल्टी जो है लगभग 1200 प्लस ही आएगा, उससे माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटल एडीएस का इनकम देखते हैं तो आपको 1800 से लेके 3000 25000 का इन्वेस्ट करके 1800 से 3000 इनकम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टोटल देखें कि आप एडीएस करके अपने टीम को अगर सर्विस देते हैं तो लगभग अगर आप बड़ा बूस्टर कर रहे हैं तो लगभग आपको 8 से 9000 रुपया छोटी सी एडीएस इनकम खोल के और लोगों को सर्विस दे के आप 8 से 9000 रुपया आप कमा सकते हैं बिना बड़ा चैन बनाए। लेकिन अगर आप बड़ा इनकम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपका सपना है तो आगे हम देखते हैं कि आपके लेवल क्या है। तो आगे ने कंपनी ने सारे स्टार पैदा कर दिया, सारे लोग को स्टार बनाने के संकल्प लिए और आप क्या स्टार बनना चाहते हैं ये आपका कॉन्फिडेंस और आपका जोश और आपका जज्बा ही आपको बना सकता है। तो यहाँ पे राइजिंग स्टार देख पा रहे हैं, शाइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, उसके बाद रीगल, यूनिवर्सल, लियो स्टार और ग्लोबल स्टार। जी हाँ दोस्त, इतने स्टार कंपनी ने बनाई है जो कि अभी तक हमारी कंपनी ने लियो स्टार तक ही लोग पहुंच पाए हैं। अगर आपकी पारी है तो आप ग्लोबल बन सकते हैं। जी हाँ, आपकी जोश और जुनून जिद्दीपन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। आगे देखते हैं राइजिंग स्टार कैसे बना जाता है। दोस्त, आपकी
टीम, जैसे मान के चलते हैं कोई भी क्वालिफाइड, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि आप 31,100 में भी आप फ्यूचर स्टार क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक टीम आपकी क्वालिफाइड फ्यूचर स्टार मिनिमम 25,000, 30% का उसका लेवल होना चाहिए और मिनिमम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, और टीम ए बी सी डी जितने भी टीम है सारा टीम मिला के अगर आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो राइजिंग स्टार क्वालिफाइड कर जाते हैं। जैसे कि आप कोना कोना पे देख रहे हैं दाहिने साइड में क्वालिफाइड फ्यूचर स्टार का 25,000 होना चाहिए, तब यहाँ पे आपको क्या इनकम मिलता है, तो यहाँ 5 तरह के इनकम कंपनी देती है। सबसे पहले परफॉर्मेंस इनकम, लीडरशिप बोनस, राइजिंग स्टार की जैक रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ 4% दोस्त, जो कि आज तक की इतिहास में किसी भी कंपनी ने ये चीज नहीं दिया है, जो कि आपकी कंपनी हमारी कंपनी एक जैक यानी नीचे से उठाने के लिए एक रॉयल्टी 4% सिर्फ और सिर्फ राइजिंग स्टार के ऊपर 4% जैक रॉयल्टी देती है। ट्रेनर फंड 3%, फंड को भी हम आगे बताएंगे कि फंड और रॉयल्टी में क्या फर्क होता है। आप ट्रेवलिंग फंड आपका 3% है और ट्रेनर फंड 2%। तो लीडरशिप बोनस के ऊपर हम बात करेंगे कि लीडरशिप बोनस कैसे कैसे यहाँ पे मिलता है, तो साइनिंग स्टार तक आपको 7% फर्स्ट लेवल से, आपका सेकेंड लेवल से 3, उसके बाद थर्ड से 2, फोर्थ से 2, 5 से 1%, यानी साइनिंग और यहाँ शूटिंग स्टार तक जो है आपको 15% तक ही आपको लीडरशिप मिल सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे यहाँ पे जैक रॉयल्टी दिया जाता है। तो दोस्त आपको कंपनी टर्नओवर से 4% आपका टर्नओवर निकाला जाएगा 4%, और आपकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग हो सकता है जितना बड़ा लीडरशिप बनाएंगे उस लीडरशिप के अकॉर्डिंग जितना आपका लीडरशिप बनेगा 100 से 120, 150 तक बन सकता है, यानी 100 से लेके 120%, 130%। उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं कि आपको ट्रेवलिंग फंड, ये ट्रेवलिंग फंड कंपनी टर्नओवर से 3% निकलेगा और ये भी आपकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही आपको आपका पेमेंट बन के आएगा। दोस्त अब हम पेमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, एक हम ट्रेनर फंड जो है, ये ट्रेनर फंड किनको किनको कंपनी ने दे रही है, तो ट्रेनर फंड राइजिंग स्टार को 2%, साइनिंग स्टार को 2%, शूटिंग स्टार को 2%, वेगा को 1% और स्टार को 1%। दोस्त ये एक शानदार जो हमारी कंपनी ने पिछले बार निकाली है, ये एक शानदार ये और एक हमारा फंड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको पेमेंट किस तरह से आपको पेमेंट बनेगा एक छोटी सी टीम क्रिएट करने के बाद। अगर राइजिंग स्टार बनते हैं तो क्या पेमेंट, बहुत सारे लोग का दिमाग में आता होगा कि एक राइजिंग स्टार बनने के बाद पेमेंट क्या बनेगा, तो उसको पेमेंट को हम बनाने के यहाँ शो किए हुए कि 5 तरह का इनकम है, तो वो कैसे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस में क्या आ सकता है, तो आपका सेल्फ 1100 किए हैं तो आपका लेवल 33%, तो 363 रुपया। उसके बाद आप छोटी छोटी टीम क्रिएट किए हैं, तो टीम ए का जो है आप 33 में है, टीम ए आपका 30% में है, तो वहां से 3% डिफरेंस 750 रुपया। आपका टीम बी आपका देखिए 18% में है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, आप वहां से डिफरेंस देखिए 15%, 750 रुपया। टीम सी आपका 23% में है, 7,000 बिजनेस, वहां से आपका 10% का 700 रुपया। और यहां टीम डी 27% में है, 1200, वहां से आपका 720 रुपया। टोटल परफॉर्मेंस इनकम हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस इनकम 3283 रुपया दिख रहा है। अब आगे चलते हैं लीडरशिप कैसे बनता है। लीडरशिप दोस्त आपका फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन आपका 25,000 ओनली बिजनेस किया, तो 25,000 का 7% 1750 रुपया। जैसे कि हम जैक रॉयल्टी आपको बताए हैं कि कंपनी टर्नओवर से 4% निकाली जाती है, जो कि 100 से 150 तक भी मिल सकता है हमको। एक बार जो हम शूटिंग बने थे तो 183% भी मुझे आया था मेरा लीडरशिप का, लेकिन यहाँ पे हम अगर 100% भी लेते हैं तो 1750 रुपया आपका जैक रॉयल्टी भी आपको मिल रहा है। लेकिन फंड अब बोलेंगे कि 3% फंड और 4% जैक रॉयल्टी, और डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों। जी हाँ दोस्त, हर कंपनी ने यही चीज करके चुतिया बनाने की काम किया है फंड को दिखा के, और अगर हम लाख रुपया बिजनेस कर रहे हैं तो 200, 400, 500 रुपया ही मात्र फंड आता है, बाकी फंड कहाँ चला जाता है। तो जो ऊपर बैठे हुए सारे लोग का बड़ा लीडरशिप बनता है वो लोग सारे को चूस लेते हैं, लेकिन यही चीज यहाँ कंपनी ने शो किया है दिखाने के लिए कि रॉयल्टी और फंड में क्या अंतर है। रॉयल्टी अगर 1% ज्यादा है तो 1750 आ रहा है, लेकिन 3% अगर आपको ट्रेवलिंग फंड दिया जा रहा है, जो कि 400 रुपया ही स्क्रीन पे शो आपको हो रही है ये सारे लोग पे। लेकिन ट्रेनर फंड और यहाँ भी फंड है, लेकिन ये पार्टिकुलर लेवल पे है दोस्त, ये पार्टिकुलर लेवल पे है, यानी राइजिंग स्टार को केवल दिया जाएगा, इसलिए इस फंड केवल राइजिंग स्टार को मिलेगा, इसलिए ये 3,000 रुपया आपको आता है
तो टोटल हम इनकम यहाँ पे देखते हैं तो 10,183। जी हाँ, एक छोटी सी बिजनेस करके 10,183 रुपया का इनकम बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलते हैं इसमें अगले पड़ाव की ओर। साइनिंग स्टार, जो कि बहुत ही जबरदस्त इस लेवल को कंपनी ने शुरू से अहमियत दी हुई है। साइनिंग स्टार के लिए क्या है, आपका टोटल बिजनेस 1,00,000 होना चाहिए, यह एक कंडीशन है। आपका किन्हीं एक टीम से, फिर बोल रहे हैं किन्हीं एक टीम से, ऐसा नहीं कि ए में ही आपका होना चाहिए, मेरा यहाँ स्क्रीन पे सोचने की जरूरत नहीं, किन्हीं एक टीम में आपका 60% यानी 1,00,000 का 60% 60,000, बाकी छोटी छोटी आपके टीम है वो सारे टीम मिला के आप 40,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपका लेवल 35% का होता है और यहाँ से आपकी इनकम शुरू होती है। परफॉर्मेंस इनकम, लीडरशिप बोनस, साइनिंग स्टार का जैक रॉयल्टी। जी हाँ दोस्त, अब वो राइजिंग स्टार का था, अब पार्टिकुलर इसी लेवल पे 4% आपको आप कंपनी जो है आपके लिए 4% निकालती है और आपकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। उसके बाद ट्रेवलिंग फंड, पीछे हम दिखाया कि राइजिंग स्टार से चालू हो जाता है तो आपको भी ट्रेवलिंग फंड मिलेगा। उसके बाद माई कार फंड, जी हाँ यहाँ एक आप फंड जो है आपको शुरू हो रहा है माई कार फंड। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि जैक रॉयल्टी आपका ट्रेनर फंड भी है। जैक रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे और यहाँ पे माई कार फंड। जैक रॉयल्टी और बताने की जरूरत नहीं, आपको पिछले बार बता चुके राइजिंग में। आगे हम देखते हैं कि माई कार फंड आपको मिलना शुरू होता है। ये दो फंड आपको, एक फंड अलग से चालू हो यहाँ पे होता है। अब आगे देखते हैं, समय काफी कम है और शूटिंग स्टार लेवल जहाँ आप एक छोटी से एक बड़ी सपना को पूरा कर सकते हैं, जैसे राजेश सर शूटिंग स्टार बन के ही फोर व्हीलर लिए, मोहन सर शूटिंग स्टार लेके ही फोर व्हीलर लिए, प्रेम जी शूटिंग स्टार लेवल लेके ही फोर व्हीलर ली, चिंतामणि जो है शूटिंग स्टार लेने के बाद ही फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर जहां से लोग लेना शुरू करते हैं, अब उस लेवल को देखते हैं क्या करना है। उस लेवल को लेने के लिए ओनली 4,00,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको टोटल चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि नहीं, एक टीम से आपका 60% होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा ए टीम में हम अगर शो किए तो ए टीम ही आपका हो, ऐसी कोई बात नहीं। किन्हीं एक टीम में आपका 60% यानी 4,00,000 का 60% 2,40,000, बाकी छोटी छोटी आप टीम क्रिएट किए हैं, कोई बाउंडेड नहीं है। 50 टीम भी आप क्रिएट कर सकते हैं, 50 टीम मिला के भी अगर आप 1,60,000 करते हैं और पर्सनल आईडी पे, ये मत भूलना, पर्सनल आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो आपकी लेवल शूटिंग स्टार का होता है और आप प्रॉफिट लेवल जो है आपका 37% का होता है। दोस्त अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, तो परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस, उसके बाद में शूटिंग स्टार की जैक रॉयल्टी 2%, जो कि आप वहां पे देख रहे थे साइनिंग और राइजिंग पे 4-4, अब सिर्फ और सिर्फ ये शूटिंग स्टार लेवल पे दोस्त 2% जैक रॉयल्टी, जो कि हम अपना पेमेंट जो मेरा बना था, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी भी हम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं कि मेरा जो है 183% अपना लीडरशिप का जैक रॉयल्टी आया था। तो ये 2% को छोटा कभी नहीं आंकना है। और उसके बाद ट्रेवलिंग फंड 3%, माई कार फंड 2%। अब यहाँ एक फंड शुरू होता है, स्वीट होम फंड और ट्रेनर फंड। सारे लेवल हम क्लियर कर चुके हैं, ट्रेनर फंड स्कॉर्पियन स्टार तक है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार की जैक रॉयल्टी 2%, जो कि कंपनी टर्नओवर से निकाली जाएगी और जितने शूटिंग स्टार है उसकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग उसको बराबर नहीं दिया जाएगा, उसका लीडरशिप के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फंड आपका नया स्वीट होम फंड जो आता है, वो फंड आपका लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही आएगा, लेकिन इसको आप 2 महीना कंटिन्यू रखेंगे मेंटेन। उसके बाद आगे चलते हैं जिस लेवल पे मैं हूँ। जी हाँ दोस्त, जिस लेवल पे यहाँ टीपी सर, राजेश सर और मेरा यहाँ पे आगमन हुआ है, काफी शानदार पेमेंट। जी हाँ, यहाँ आने के बाद आप लाखपति क्लब में शामिल हो जाते हैं, यानी लाख रुपया जो है आपका आना तय। दोस्त इसको ले, इस लेवल को लेने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटा सा टीम, आप बहुत बड़ा टीम भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा टीम रहेगा तो भी आप इस लेवल को ले सकते। मात्र 10,00,000 बिजनेस वॉल्यूम, मात्र 10,00,000 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं, किन्हीं एक टीम में 60% होना चाहिए और बाकी टीम मिला के आपका 40% यानी 6,00,000 और 4,00,000 आप कर लेते हैं। पर्सनल आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम वो आपका साइड होता है दोस्त, कभी उसको मत भूले। अगर आप 1,000 कर लेते हैं तो भी आप इस लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे, 10 या 11,00,000 होने के बाद भी अगर आपका पर्सनल आईडी पे अगर 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो भी मेगा स्टार लेवल आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसको ख्याल रखेंगे, कभी भी शूटिंग से ऊपर जाएंगे तो 2,000 पर्सनल आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त, इस लेवल को लेने के बाद क्या इनकम आपका बन सकता है,
क्या क्या मिल सकता है, परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप, आपका वेगा स्टार का जैक रॉयल्टी 0.5%, जो कि छोटा नहीं है दोस्त, जिनका भी पेमेंट बनता है बहुत धासु पेमेंट, बहुत अच्छा पेमेंट बनता है। उसके बाद ट्रेवलिंग फंड, माई कार फंड, स्वीट होम फंड, वेगा स्टार का फंड 2% और ट्रेनर फंड 1%। जी हाँ दोस्त, इतना कुछ यहाँ से मिलता है। ये आपका जो वेगा स्टार का जैक रॉयल्टी है आपकी लीडरशिप के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा दोस्त। जितना बड़ा आप लीडरशिप बनाएंगे उतना बड़ा आप इस फंड को आपके हक में जा सकता है। मान के चलते हैं टीपी सर ने एक बैक करेंगे ज्ञानेश सर, मान के चलते हैं टीपी सर ने 50,000 का ये आपका लीडरशिप बनाया और मैंने 25,000 का लीडरशिप बनाया, दोनों सेम वेगा स्टार लेवल को मैंने अचीव किया, टीपी सर ने भी अचीव करके उसको मेंटेन करके, और इतना बड़ा लीडरशिप 50,000 बनाते हैं हम 25,000, तो जस्ट ये जैक रॉयल्टी जो है टीपी सर को मेरे से जस्ट डबल मिलेगा और हमको कम मिलेगा। तो इसलिए लीडरशिप ज्यादा से ज्यादा बनाए, उसके लिए लीडरशिप ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टीम क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि पारा सर बराबर बताते हैं कि दो टीम के ऊपर निर्भर कभी ना रहे, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप अचीव कर सकते हैं। आगे जिस लेवल की चाहत है उस लेवल की ओर हम चलते हैं, जहां की मेरा एक सपना है इस लेवल को लेने की। यहाँ पे वेगा स्टार में एक वारियर्स फंड भी मिलता है जो कि शाल में जोड़ के मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको एक जगह किए हैं लेकिन समय काफी हो चुका है और हम स्कॉर्पियन स्टार तक ही बताएंगे आज, बाकी जो है ना सबका लेवल को बता के ये कर देते हैं, काफी समय हो चुका है। तो जी है दोस्त, जिसकी इच्छा शुरू से कंपनी ने इसको टॉप लेवल रखी है और इसको अभी भी टॉप लेवल ही मानते हैं, भले उसको टॉप लेवल आज मेरा ग्लोबल स्टार है लेकिन ये टॉप लेवल कंपनी ने शुरू से ही बना के रखी है। इस लेवल को लेने का सारा लोग का इच्छा रहता है, यहाँ आने के बाद आप 2 से 2.5 लाख रुपया आसानी से इनकम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको टोटल 25,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। जी हाँ, टोटल 25,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, किन्हीं एक टीम से आपको 15,000, बाकी टीम से 10,000 और पर्सनल आईटी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ दोस्त, ये चीज आप कर लेते हैं तब यहाँ से आपको परफॉर्मेंस बोनस, यानी आपका जो लेवल है 40% का लेवल होता है, बाकी का जो डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस बोनस कहलाता है, वो आपको मिलेगा, लीडरशिप बोनस, उसके बाद में जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेवलिंग फंड, माई कार फंड, स्वीट होम फंड, वेगा फंड भी मिलेगा और स्कॉर्पियो फंड नया मिलना शुरू होगा और ट्रेनर फंड 1%, यहाँ गलती से 2% लिखा गया है, कोई बात नहीं, ट्रेनर फंड 1% यहाँ पे मिलेगा और वॉरियर्स फंड भी यहाँ पे मिलना यहाँ से भी शुरू होता है। जी हाँ दोस्त, तब स्कॉर्पियो फंड आपको 2% जो है अब ये भी आपका लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। तो दोस्त ये प्लान यहाँ पे मुझे आने की बहुत शक है, इससे आगे हम सिर्फ शॉर्ट में जाते हैं। रीगल स्टार होता है, रीगल स्टार में क्या करना पड़ता है उसको आप देख लीजिए। रीगल स्टार में 40,00,000 बिजनेस वॉल्यूम, साइड में आपका किन्हीं एक टीम में 20,000 और 20,00,000 होना चाहिए और टोटल टीम मिला के 20,00,000। उसके आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर, यूनिवर्सल की ओर जाते हैं, तो उसमें आपको टोटल बिजनेस आपका 75,00,000 होना चाहिए, आपको किन्हीं एक टीम से 37,50,000 और बाकी टीम मिला के 37,50,000, यानी 50-50 आपको यहाँ से रेशियो चालू है। अब इसके आगे जो लियो स्टार है वहां पे हम चलते हैं, लियो स्टार उसके लिए 1 करोड़ चाहिए, जो कि आज हमारे बीच धर्मराज मेघवाल सर इस लेवल में उपस्थित है। दोस्त हम लोग 1 करोड़ बिजनेस, जो कि हम लोग 1,00,000 बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, अगर आप लियो स्टार बनने का अगर सोच रखे हैं तो बिल्कुल आप बेगा तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो लियो स्टार का टारगेट लेंगे तो 10,00,000 बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद जो हम लोग का जो ग्लोबल स्टार का जो अभी हम लोग बनाए हुए हैं, अपना प्रोफाइल में डाले हुए हैं सबका सपना ग्लोबल स्टार, तो इसको देखते हैं कि टोटल 1.5 करोड़ बिजनेस होना चाहिए, 15 करोड़ बिजनेस होना चाहिए, 75,00,000 आपका किन्हीं एक टीम से और बाकी टीम से आपका 75,00,000 आप कर लेते हैं तो ग्लोबल स्टार आप बिल्कुल बन सकते हैं। तो थैंक्स दोस्त, यहाँ पे समय काफी कम है और जितना बताने का लिए रहता है वॉरियर्स फंड के लिए, ज्ञानेश सर थोड़ा सा वॉरियर्स फंड देखिए, वॉरियर्स फंड जो है एक बैक बिल्कुल एरियस फंड जो वॉरियर्स फंड जो मिलना शुरू होता है बैक करेंगे ज्ञानेश सर,
जी हाँ दोस्त, ये 1% कहाँ से मिलना शुरू होता है उसको देखिए, आप बेगा स्टार लेवल अचीव करते हैं उसके बाद से ये फंड मिलना शुरू होता है। अगर ग्लोबल स्टार बनते हैं तो आप देख सकते हैं बेगा स्टार में 1%, स्कॉर्पियन स्टार अगर बनते हैं तो 1% और 1% कितना परसेंट उसको टोटल आप जोड़ के देखिए, तो यहाँ आप ग्लोबल बेगा स्टार से ग्लोबल तक वेरियस फंड भी कंपनी देती है, जो कि साल भर में एक बहुत बड़ा पैसा आपको ये मिलेगा। ये एलेक्स रॉयल्टी का है, वही बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्त हम लोग मीटिंग को समापन की ओर चलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने वाले लोग अलग काम नहीं करते हैं वो लोग हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो थैंक यू सुपर एलेक्स। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका विशेष तौर पे शुक्रिया सर, क्योंकि आपने बड़ा ही शानदार प्लान प्रेजेंट किया, और मुझे लगता है जितना सहजता से आपने बताया है नॉर्मल आदमी भी जो होगा वो बिल्कुल इसको समझ चुका है और समझ गया होगा। फिर से एक बार सर आपका बहुत बहुत विशेष तौर पे आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। और साथियों, अभी आप जितने भी लोग हैं यहाँ, इनसे मैं एक और हम्बल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अब जैसे समय काफी कम है और हम सीधे अब एक दो लीडर हमारे बचे हैं उनके बाद हम सीधे पारस सर की ओर चलेंगे, जो हमारे आज हमारा मार्गदर्शन आज करेंगे और अपने बारे में जो बताएंगे। उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे कि आप लोगों के पास अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जैसा कि मैंने देखा था लगभग 250 लोग थे हम लोग और अब लगभग 150 लोग हैं, तो 100 लोग यहां से आउट हो चुके हैं। तो कोई नहीं, लोगों का काम होगा, बहुत सारा चीज है ना, लोग घर पे हैं, तो आप एक काम ये करें कि एक छोटा सा मैसेज टाइप करें कि पारस सर अभी बस उनकी मीटिंग, उनकी स्पीच स्टार्ट होने वाली है, तो आप अगर आउट हो चुके हैं तो फिर से पुनः एक बार जुड़ जाएं। ऐसा अपने सारे ग्रुप में लिख के आप जो है डाल दें, ताकि और भी अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं। और इस जुड़ने का मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि वो उनकी बातों से कुछ सीख के अपने बिजनेस में कुछ लाभ ले पाए। दोस्तों आइए, इसके साथ ही हम अब चलते हैं सीधे सीधे, समय जाया ना करते हुए, हमारे एक और शानदार और डायनेमिक लीडर जो अभी नए अभी जैसे अगर हम बात करें पिछले रिसेंटली कुछ समय पहले ही ये वेगा स्टार बने हैं, और बड़ा ही शानदार इनका भी बिजनेस रहा है, बड़ा ही शानदार पर्सनैलिटी है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हुआ भी, लेकिन फिर भी ये एक फाइटर की तरह अपने आप को इन्होंने सामने लाया है, और उससे आप इन्होंने अपने आप को जीत हासिल करके आज हमारे बीच उपस्थित है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। तो हम समय जाया ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर अगर बोलने में कुछ दिक्कत हो तो आप कम से कम समय लें और जो आप बोलना चाहे बोले। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच साथियों हम स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट ऑसम डायनेमिक लीडर मिस्टर राजेश सर का। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्टेज इज योर सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी पवन सर, जो कि आज का प्रोग्राम को बहुत शानदार बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही मेरे ग्रेट अपलाइन फारूक सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ ही मेरे माइंड पावर मेरे गुरु आदरणीय मिस्टर पारस सर का, जो कि जिनके माध्यम से बहुत ही शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। हमेशा जो है नया नया टेक्निक और दिमाग लगाते रहते हैं, मैं तहे दिल से सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही बहुत सारे नए गेस्ट हैं जो कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए ललाहित थे कि कितने सारे लीडर आज इस सिस्टम में आने के बाद कामयाब हुए हैं, और आज जो है हमारे बीच बहुत सारे जो है एलेक्सियन है। मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार और सुपर एलेक्स। मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं रांची झारखंड से हूँ, और इस एलेक्स सिस्टम में पिछले 33 महीना से जो है जर्नी कर रहा हूँ, और सीखते और सिखाते हुए जो है एक टीम को बिल्ड मैंने किया है, और यह जो है एक पिरामिड सिस्टम है जिसमें जिसका जितना बड़ा टीम होता है उतना बड़ा इनकम होता है, उतना बड़ा जो है उनका लेवल होता है। और इस 33 महीना का जर्नी में जो इस सिस्टम का पावर और इस सिस्टम का रचियता, जिनको मैं तहे दिल से जो सिस्टम को तैयार किए हैं बनाए हैं, मिस्टर एसबी सर का मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार और उनका धन्यवाद देता हूं कि आज उनके इस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोग जो है जर्नी कर रहे हैं, और आम लोगों का जो है सपना यहाँ से पूरा हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो है आप सुन रहे थे अभी शूटिंग स्टार, जो बड़ी उत्साहित और एक अच्छा इनकम को कर रहे हैं, जिनका स्पीच आप लोगों ने सुना, सबको एक से एक बढ़ के जो है अपना स्पीच को किए हैं,
शूटिंग स्टार बनते ही जो है एक अलग हौसला, एक जुनून अपने अंदर जो है होता है, क्योंकि एक बड़ा टीम होता है, एक अच्छा इनकम होता है और एक सपना, जो लोग छोटे छोटे सपना को जो है इस जगह में आके पूरा करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है जैसे ही शूटिंग स्टार बने हैं और कार जो है उन्होंने लिया है और घर का सपना को उन्होंने पूरा किया है। मेरा भी जर्नी इसी तरह से रहा है। जब मैं इस सिस्टम को स्टार्ट किया, मैं नए लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि जब इस सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया तो सिस्टम को देखा, इसका जो है दूरदृष्टि, इसका जो प्रोडक्ट से लेके सारा चीज, आज जो है हमारे डॉक्टर संदीप सर को मैंने वॉच किया तो लगा कि रियल में कंपनी का सिस्टम, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड सेल के ऊपर काम कर रहा है, इसमें प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। तो मैंने इस काम को स्टार्ट किया और मात्र तीसरा महीना ही में जो है मैंने शूटिंग लेवल को लिया और उसी समय जो है मैंने लाखों का अर्न स्टार्ट किया। लोग बोलते थे कि लाख कैसे लोग कमा सकता है। मेरा जो शैक्षणिक योग्यता है इंटर है, अगर मैं कोई भी सिस्टम या कोई भी नौकरी करता तो शायद इतना बड़ा इनकम के बारे कल्पना भी नहीं कर पाता। लेकिन आज जो है महीने का 80 से 1 लाख के बीच जो है मेरा पेमेंट है और इस 33 महीना में जो है मैंने 20 लाख से ऊपर का अर्न किया। और मैं सभी का मैं आभारी हूँ कि आज जो है आप लोगों के बीच में जो है एलेक्स मैं गर्व महसूस करता हूँ। अगर आज मैं हूँ आप सबों के बीच तो ड्यू टू जो है एलेक्स का देन है, हमारे आदरणीय गुरु पारस जी का देन है और हमारे ग्रेट जो MD का देन है, जो कि आज आप लोगों के बीच में हूँ। एलेक्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सुख दुख से लेके हर तरह से जो है आपको सहयोग किया जाता है और इस सिस्टम के माध्यम से जो है आज जो अपग्रेड किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, जिस तरह से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों का बात को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं भी अब कुछ ना कुछ आपको मैं सुना रहा हूँ। अगर यही प्रोग्राम कहीं होता तो शायद मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता, जैसे मेरा अभी स्वास्थ्य खराब है। लेकिन इस सिस्टम का ताकत है कि आज घर बैठ के भी जो है इस सिस्टम के माध्यम से जो है काम हो रहा है। तो एक टीम है, तो यहाँ कहा गया है कि जितना बड़ा टीम आप बनाइएगा उतना जो है आपका हमेशा जो है बिजनेस होगा, आपका लेवल होगा और आप जो है घर बैठे भी एक अच्छा इनकम को कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोग बोलते हैं लाखों कमाना, तो यह आम आदमी खास बन सकता है और कोई भी व्यक्ति जो है इस सिस्टम में आके काम को स्टार्ट कर सकता है। कोई पूंजी की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने किया। आज भाई इस सिस्टम के माध्यम से जो सीखने का मौका मिला और जो लोग आज सीख रहे हैं, पहले लोग नेटवर्क मार्केट से भागते थे, लेकिन आज देखिए आज कोरोना और लॉकडाउन में जो चल रहा है, जो आज ट्रेडिशनल बिजनेस वाले भी रो रहे हैं या तो बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले भी आज रो रहे हैं, लेकिन आज जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी हैं, जिन्होंने भी इसके साथ जो है विश्वास के साथ काम किया, आज नेटवर्क मार्केटिंग में आज देखिए घर बैठे लोग पैसा कमा रहे हैं। हर परिवार आज खुशहाल है जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में है, खास करके एलेक्स के सिस्टम में आप सारे लोग जुड़े हुए हैं। और नए लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसा सिस्टम है साथी, आप पहले अगर नहीं किए तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके अगल बगल अपलाइन, जो भी आपको आज इन्वाइट किए हैं, उनके साथ बैठ के टेबल प्लान करिए कि रियल में ये प्लान क्या है, रियल में हमको करना क्या है। आप जो है अभी भी चुके नहीं, क्योंकि आज भी समय है, आज भी जो है कंपनी अपना सिस्टम को डेवलप कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आप घर बैठे भी आप खरीदारी कर सकते हैं और सिस्टम एक बार किसी को आपने जोड़ दिया और सिर्फ उसको जो है इस तरह से फॉलो कराते रहे, जैसे जूम मीटिंग आज होता है या तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसको हमेशा प्रेरित करते रहे, आने वाला दिन जो है आपको बहुत बड़ा चीज हो सकता है, जैसा हम लोगों का हुआ। आज कोई हम लोग बड़े घर से नहीं थे, एक बुआर परिवार जिसको किसान परिवार बोला जाता है, कभी हमने कल्पना नहीं किया था कि इतना बड़ा इनकम हो सकता है। लेकिन आज आदरणीय हमारे पारस सर का जिन्होंने जो है इस प्लान को दिखाया और मैंने पूरा विश्वास किया कंपनी के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर, और आज अगर मैं यहाँ कामयाब हूँ और एक अच्छा लेवल में हूँ तो सिर्फ मैंने फॉलो किया अपने लीडर को। और आप भी करिए, जो भी एक सफल लीडर होते हैं हमेशा आपको सफलता के बारे ही बताएंगे, आपको कभी नेगेटिव नहीं करेंगे। और जो भी लीडर आपको नेगेटिव करते हैं
उनको हमेशा इग्नोर करिए अगर आपको आगे बढ़ना है। हमेशा जो है अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए, कंपनी के सिस्टम के ऊपर विश्वास करिए। आज दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज है। अगर आप नेगेटिव होते हैं उसका 4 गुना जो है पॉजिटिव के बारे सोचिए, तब कभी भी फेल्यूर नहीं हो सकते हैं, हमेशा आप सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस के लिए ही आज एलेक्स को बनाया गया है। एलेक्स एक ऐसा सिस्टम है, आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केट है मार्केट में, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज जो है एलेक्स उभरता हुआ सितारा है। और एलेक्स जो है आज पूरे दुनिया में छा गया है, वो प्रोडक्ट के माध्यम से हो, ट्रेडिंग के माध्यम से हो। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मैनेजमेंट को, जो कि मैनेजमेंट हर हमेशा जो है आपके लिए अनुकूल जो है हमेशा बिजनेस को आपको दिया है। आज लॉकडाउन में भी जो है अच्छा बिजनेस हो रहा है, उसका कारण है प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराना, या तो आपके तक जो है मैसेज देना, या लीडर जो है, जैसे आज हम लोग ऐसे टीम में है जो कि डॉक्टर से लेके हमारे टॉप लीडर हमेशा जो हमें गाइड कर रहे हैं। और देखिए कहीं भी कुछ भी आपको करते हैं तो आपको समय देना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ लोग क्या है समय देना नहीं चाहते। आज सोचिए 20,000, 30,000, 40,000 आप कमा रहे हैं और 2 घंटा समय नहीं देंगे, अपने टीम के ऊपर वॉच नहीं करेंगे, तो बिजनेस जाहे चाहे डाउन होगा। तो आज जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि घर बैठे हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे का सफलता को जान रहे हैं, लोग कैसे यहाँ सफल हो रहा है उसके बारे जान रहे हैं। तो थोड़ा सा शरीर मेरा अस्वस्थ है, और कहा गया है कि आज जो है आपका कोई भी इस काम को करते हैं तो आपका पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। मैं अट्टाई कोर्ट में नहीं हूँ क्योंकि एक बार ट्राई किया लेकिन शरीर थोड़ा सा डाउन है, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जो है कंपनी का टी शर्ट में मैं हूँ। तो ज्यादा बात को नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि नए लोग हैं और कुछ जानने सीखने भी आए हैं। तो नए लोगों को मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि आप जो है देर ना करें, एलेक्स को ज्वाइन करें और आप जो है कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस तरह का लॉकडाउन और महामारी हमेशा आते रहेगा। और जो काम को आप कर रहे हैं आप घर बैठ गए होंगे, लेकिन इस काम में आप घर बैठे भी वर्क कर सकते हैं अगर आपके साथ लोग हैं, आपके साथ टीम है। और आज के डेट में हर के साथ कुछ ना कुछ सर्कल है, जैसे हम लोग लिस्ट का बात करते हैं, तो आप घर बैठे जो है जो मोबाइल यूज करते हैं पिक्चर देख के या तो कुछ कॉमेडी देख के जो समय को जो जाया करते हैं, तो इसमें जो है आप करिए और जो है अपने आप को आगे बढ़ाइए। सभी को सुपर एलेक्स बहुत बहुत थैंक्स। इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। सुपर एलेक्स। आवाज नहीं आ रही है आपकी पवन जी। पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे बीच में जो है जैसा आप लीडर्स सभी लोग सेशन जैसे जैसे आज बड़ा सेमिनार जब होती है तो 2 से 3 घंटा का सेमिनार अक्सर होता है, मिनिमम 3 घंटा का प्रोग्राम चलता है। और हम सभी के बीच में लगभग अभी जी सर थोड़ा सा हमारे सेशन में जो है जी सर हाँ सर थोड़ा सा मैं आउट हो गया था सर, कुछ प्रॉब्लम आया था, शायद एक कॉल आया इसकी वजह से। तो साथियों राजेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमें तो 10 बजे सर ये मीटिंग खत्म करना था लेकिन समय काफी हो चला है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे एक और ग्रेट लीडर जो बचे हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और उसके बाद हम सीधे सीधे पारस सर की तरफ अपना रुख करेंगे और इनसे जानेंगे समझेंगे। तो साथियों आप बने रहें और बस और कुछ समय इंतजार करें, क्योंकि इंतजार करना और लोगों को कहीं एक जगह बैठना थोड़ा सा टफ होता है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ बने हुए हैं और आप यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जोरदार तालियों के बीच एक बार स्वागत करें एक ऐसे लीडर का जिनको मैं ये समझता हूँ कि एक परफेक्ट लीडर जो होता है ना वो अपने मुंह से जो कहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इनसे मैंने आज तक जितना भी इनसे मुंह से मैंने जो कुछ भी सुना है ये सिर्फ बिजनेस के प्रति पॉजिटिव, कंपनी के प्रति पॉजिटिव, टीम के प्रति पॉजिटिव, बड़ा ही जबरदस्त इनका बात रहता है। तो इनसे अभी हम थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्रेट लीडर मिस्टर टीपी चौधरी सर, आपकी जोरदार तालियों के बीच आप उपस्थित होके अपना वक्तव्य रखें सर। जी सर टीपी सर सुपर एलेक्स सर सुपर एलेक्स सभी को सुपर एलेक्स सुपर एलेक्स सुपर एलेक्स सर
मुझे जो है आप लोगों ने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत जो है आप लोगों का शुक्रिया। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं पारस सर और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, शूटिंग स्टार हैं, साइनिंग स्टार हैं, राइजिंग स्टार हैं, सभी को जो है मैं फिर से एक बार जो है प्रणाम करता हूं और जो है सभी की स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और बहुत अच्छा लगा, मैं चूंकि मुझे भी मीटिंग में निकलना, मैंने राइजिंग स्टार ग्रुप में अपना ई पास भी डाल दिया है, कल भी मैं मीटिंग था, एवरीडे मैं भी, स्थिति बहुत ही सामान्य हो रही है और जो है मैं बाहर निकल के काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। लेकिन हाँ, अपना आपको जो है प्रिकॉशन के साथ काम करना है, ये नहीं कि निकल रहे हैं तो केयर नहीं करना है अपना, क्योंकि हमारा हमारे पीछे हमारे परिवार है, हमारी टीम है, हमारा समाज है, सभी को जो है देखते हुए गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी जैसे कि हमारी मीटिंग चल रही थी तो मैं भी लेट हूँ, मेरे पास भी समय कम है, लेकिन जब मुझे मौका दिया गया तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 10 मिनट का समय लूंगा और 2-3 बातें आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। ऐसे कुछ बचा नहीं कुछ बताने के लिए, प्लान शेयर फारूक सर कर चुके हैं, राजेश सर ने काफी अच्छा मोटिवेशन दिया, हमारे शूटिंग कई स्टार जो है उन्होंने अपना जो है मोटिवेशन दिया, और पारस सर भी अभी जो बचा कुछ है उसको खत्म करेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी तमाम लोग हैं, सभी सोच रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ना, जैसे पवन जी बताए कि मैं हमेशा, सही बात है, मैं हमेशा कोई भी विपरीत से विपरीत स्थिति में भी, ये मेरा आज से डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है, मेरा ये जन्म से ही ये मतलब मेरा कोई भी चीज के प्रति मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरा ये मेरा जो है स्टार्टिंग से आदत है। और यही कारण है कि आज ये लॉकडाउन है, ये जो स्थिति चल रहा है, इस स्थिति में मैं खास तौर से सभी आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस समय अपना जगह बनाने का है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आज हमें जो ये जो इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आज कंपनी को भी अपना पहचान बनाने का मौका मिला है और हमें भी अपना पहचान बनाने का पूरा पूरा मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा आप सभी से ये आपको मतलब याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोग तौबा नहीं करें। मैंने ये नहीं करना चाह रहा हूँ कि आज जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है या आज जो हुआ ये स्थिति वाकई जो है बहुत खराब है, ऐसा नहीं हो। मैं भगवान से ये क्योंकि आज स्थिति से बहुत लोगों को जो है नुकसान हो रहा है, इसलिए ये स्थिति वाकई में सही नहीं है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेके देखें और हमारे जैसे लीडर्स जो आज जुड़े हुए हैं इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेके, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव माहौल है। हमारे लिए आज लोगों को हम बता सकते हैं जो आज 20,000-30,000 की नौकरी में फुल डे व्यस्त, पूरा सारा महीना वो उनके पास समय नहीं हमारी बातों को सुनने के लिए, आज वो घर में बैठ के मक्खी मार रहे हैं, तो हम उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं फोन से, जूम मीटिंग के माध्यम से, और उनको इस बिजनेस के लिए हम कम से कम बता तो सकते हैं। और हमारा बिजनेस वाकई में आज जो है ये बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, यदि हम इसको बता पाएंगे तो हमारे साथ लोग आएंगे निश्चित तौर पर। और आज इसका मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, आज सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इस पर भी काफी लोगों ने जो लोग मुझे जानने लगे जो पहले नहीं जान रहे थे, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आज हम लोग लीडर 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 सभी के जमाने में लीडर होता है, लेकिन लीडर का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा सही मतलब क्या है। कुछ लोग जानते भी होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अभी जैसे कि मैं देख रहा था लगभग 250 लोग लगभग हम लोग जुड़े हुए थे इंड तक में, लेकिन अभी कितने जुड़े हुए हैं, मात्र हमारे साथ 143 लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि और बहुत सारे लोगों ने अभी वीडियो भी ऑफ करके रखा, पता नहीं वो घर में नहाने चले हुए या फिर फॉर्मेलिटी आते रहे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वाकई में इसी चीज को तो देखना है, समझना है कि कितनी लोग ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप सबसे पहले आप कोई भी काम को करें तो ईमानदारी से करें। तो मैं लीडर की बात कर रहा था, तो एक सही लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब कोई नेता नहीं होता है, लीडर का मतलब कोई बॉस नहीं होता है। जैसे लोग लीडर बनते हैं, अच्छा लेबल लेते हैं अपनी टीम के ऊपर जो है हुक्म, है ना, डिक्टेटरशिप वाली जो है बातें करने लगती हैं, उन्हें आदेश देने लगते हैं, तो लीडर का मतलब ये नहीं है। आप अपने ये बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस और एक रिलेशनशिप के ऊपर काम करें। मैं इसके ऊपर छोटी सी कहानी, चूंकि समय बहुत कम है, छोटा सा एक कहानी बोलूंगा 3 मिनट का और 5 मिनट में अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक जो है मॉल में एक बहुत ही लगभग 60-70 साल की जो है महिला जो एक टीचर थी और वो रिटायरमेंट के बाद मॉल रिटायरमेंट उनका हो चुका था और मॉल में जो वो कुछ जो है अपना मार्केटिंग कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करते समय उनके पास एक बच्चा गया छोटा सा, तो वो जो बच्चा गया उनको पैर छूकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया, उनको बताया कि मैं आपकी क्लास में पढ़ता था, आपके विद्यालय में पढ़ता था और मैंने आज से लगभग 35 साल पहले एक बहुत ही जो है ऐसा काम किया था जो बहुत मेरे लिए शर्मनाक थी
और आप आपको मैं याद दिला रहा हूँ और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मैंने वो जो काम किया था जिसकी वजह से आज भी मैं शर्मिंदा हूँ और मैं इसके लिए आज से आपके पास माफी मांगने के लिए आज मैं सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूँ। तो क्या बात है, उन्होंने बोला मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ, क्या बात है आप जरा बताइए। बोला कि आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको अभी तक नहीं भूला क्योंकि उसने उस दिन आपने जो है मुझे जो है बहुत एक अच्छा मैसेज दिया और आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। बोला क्या बात है, बोला कि मैं अपने क्लासरूम में एक जो हमारा क्लास फ्रेंड था मैंने उसकी एक घड़ी चोरी की थी जो कि इम्पोर्टेड घड़ी थी, वो अमेरिका से वो उसको लाया था, बहुत मुझे अच्छा लगा और चूंकि मुझे घड़ी बहुत अच्छा पसंद आया तो मैंने उस घड़ी को जो है चोरी कर लिया और अपने जेब में रख लिया। उसके बाद उस बच्चे ने कंप्लेन की आपके पास जाकर और कंप्लेन करने के बाद जो है अपने सभी बच्चों को बोला कि सभी की मैं तलाशी लूंगा और उस समय जो है मेरा चूंकि घड़ी मेरे पास थी अब मुझे सभी लोग जानते हैं मेरे ऊपर हंसते, पूरा क्लासरूम हंसता, पूरा स्कूल जो है मेरे ऊपर मजाक उड़ाता। तो आपने जो है जैसे ही बात बोला तो मेरे शरीर से पसीना आने लगा, मैं बिल्कुल घबराने लगा लेकिन अब कोई उपाय नहीं था चूंकि मैंने गलती कर चुका था और अब जो है मुझे सभी के बीच में एक्सपोज होना था। तो सभी बच्चों को आपने बोला कि आप सभी लोग अपना आँख बंद करके पीछे की तरफ मुड़ जाए और सभी जो है मुड़ गए और सभी की जेब में आपने हाथ डालना स्टार्ट किया और जैसे मेरे जेब में हाथ डाला वो घड़ी आपने निकाला और घड़ी निकालने के बाद आपने जो है उस बच्चे को दे दिया। लेकिन आप क्लासरूम बंद करके आप चले गई और मुझसे भी कुछ नहीं बोला और जो है इसके बाद कोई आगे बात नहीं हुई। लेकिन मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और मुझे जो है खुद में शर्म आ रहा था कि आपने मुझे एक्सपोज नहीं किया और इसी बात के लिए मैं आज आपको तलाशते तलाशते आज आपके पास पहुंचा हूं। आपके घर गया था, आप घर में नहीं मिली, आज मैं जॉब से लौटा हूं और आपसे जो है मैंने जो गलती किया था इसके बारे में आपसे आज बात करना चाहता हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं पर्सनली। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो मालूम भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं। बोला नहीं आपको जरूर याद होगा, याद करने की कोशिश कीजिए। बोला नहीं बिल्कुल याद नहीं। बोला मैडम आपको इतना बड़ा बात है आपको याद कैसे नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मुझे याद नहीं है इसलिए याद नहीं है कि सुनिएगा ध्यान से कि मैंने जब बच्चों को मुड़ने के लिए बोला था और सभी के जेब में जब मैंने डाला अपना हाथ तो घड़ी तो किसके जेब से निकला मुझे खुद मालूम नहीं है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है। बोला यस मैं तुम्हारे जेब से बेशक निकालाऊंगा, तुम आज एक्सेप्ट कर रहे हो तभी मैं आज जान पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना खुद आंख बंद कर लिया था। मैंने जब सभी को बोला आंख बंद करने के लिए तो मैंने अपना भी आंख बंद कर लिया था। तो कहने का मतलब मैसेज क्या था, मैसेज ये है एक लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चाहे अपलाइन गलती करते हैं, चाहे डाउनलाइन गलती करती है। हमें इस तरह का मैसेज को हम यदि जानते हैं तो एक तो बात है निगेटिव चीज को जानना ही नहीं चाहिए, लेकिन जान भी जाते हैं तो हमें निगेटिव बात को कभी भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी को हमें छोटा जो है दिखाना नहीं चाहिए, किसी को जो है हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए, गलत बातों को मैसेज नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। यानी कि आप हमेशा अपने डाउनलाइन को अच्छा से अच्छा बेहतर बनाएं, उसको हमेशा अपग्रेड करें, उसको हमेशा जो है ऊपर जाने के लिए बताएं। हो सकता है कि हमारी डाउनलाइन कभी जाने अनजाने में गलत काम कर देते हैं, हमारी अपलाइन भी हो सकता है कभी काल गुस्से में या हो जैसा भी हो चाहे जो मोमेंट हो कभी ना कभी उनकी बातें हमें बुरी लग जाती है तो हम उनकी शिकायत अपने डाउनलाइन के बीच में करते हैं और हमारी डाउनलाइन कभी कुछ भी गलत कर देते हैं तो हम उसको एक्सपोज करने लगते हैं कि ये सही आदमी नहीं है। तो इससे मैसेज बहुत गलत जाता है। तो हमें हमेशा चूंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, रिलेशनशिप का बिजनेस है और आप यदि अपने टीम में इस चीज को ज्यादा लोगों को मतलब हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और अच्छी बातों को शेयर करेंगे तो इससे आपका एक रिलेशनशिप बहुत मजबूत रिलेशनशिप बनेगा और आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो मैं बहुत कम समय लूंगा, एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको दिया कि लीडर का मतलब आप ये मत समझिए कि मैं एक बॉस बन गया हूँ, आप इसको डिक्टेटरशिप की तरह इसको मत यूज कीजिए अपने टीम में। आप एक लीडर हैं, लीडर की तरह इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप सही मायने में यदि आप बनना चाहते हो तो हमेशा अपने डाउनलाइन अपलाइन के बारे में जो है ये करें, अच्छी बातों को ये बताएं लोगों को, अच्छी बातों को पास करें। अभी जो है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी मीटिंग में निकलनी है और पारस सर हमारे चीफ गेस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत देर से सब्र बनाए हुए हैं और अभी भी लगभग 142 लोग हैं, यदि कुछ हैं तो उनको बुलाइए और पारस सर को मैं जो इनवाइट करूंगा और हमारे बीच पारस सर को अपना बातों को रखने का जो है मैं आमंत्रण कर रहा हूँ। ओके सुपर एलेक्स, बड़ा शानदार। तो अभी जो समय एक्चुअली हम लोग जिसके इंतजार में थे, एक्चुअली किसी भी सेमिनार या किसी बड़ा वेबिनार में भी
जो गेस्ट होते हैं उनका बात सबसे ज्यादा अहमियत होता है। तो आखिर हमने 7:30 बजे से शुरू करके यहाँ तक हम पहुंच गए, तो अब कुछ देर और हमें यहाँ बने रहना है। और आज जो पारस सर बात कहेंगे ये निश्चित ही हमारे जीवन को बदलने वाले होंगे। सर इससे पहले मैं 1-2 मिनट के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं पारसनाथ उरांव सर को, आप सभी जानते हैं कि वो आपके टीम के रीगल स्टार हैं, आप जानते हैं कि वो शानदार बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका एक खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये खासियत मेरे से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है कि जब एलेक्स की शुरुआत हुई उस वक्त बहुत सारे लीडर ने एलेक्स का काम स्टार्ट किया, और उस वक्त मैंने भी पर्सनली सभी लोगों को देखा। जितने भी आज लीडर आप देख रहे होंगे इसमें एलेक्स में, वो सारे लीडर्स को मैंने देखा, और सारे लीडर्स को देखा जाना समझा। मैं सोच रहा था कि किस इंसान के साथ काम को स्टार्ट किया जाए। तो वाकई में अभी जो लीडरशिप का एक परिभाषा इन्होंने बताया हमारे टीपी सर ने, तो लीडर का एक और परिभाषा यह है कि लीडर वो होता है जो जो काम नहीं होने वाला है। मान लीजिए पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता है, लेकिन लीडर वो होता है जो पहाड़ पे चढ़े और चढ़ने के बाद बताए कि मैं चढ़ गया, आओ तुम भी चढ़ सकते हो। ये होता है लीडरशिप। तो वैसा जो आदमी है, जो आदमी लोगों को इंस्पायर कर सके कि यस मैंने किया तुम भी कर सकते हो, वैसा व्यक्तित्व के मालिक है मिस्टर पारसनाथ उरांव, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि बड़े बड़े अच्छे लीडर बहुत हो सकते हैं एलेक्स में, लेकिन जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं वो आदमी हूं जो तुमको कामयाब कर सकता हूं। और ये प्रेरणा देने वाले एलेक्स में मेरे हिसाब से सिर्फ पारसनाथ उरांव सर है। और इनके बारे में एक और खासियत आपको बताऊं कि आज भारत की जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, चाहे वेस्टीज, मोदी केयर, IMC, एमवे, इन सब में किसी न किसी लीडर को याद किया जाता है। जैसे हम वेस्टीज में सिद्धार्थ सर को याद करते हैं, या मोदी केयर में सुरेखा भार्गव जी को याद करते हैं, उसी तरह आज एलेक्स के बारे में अगर बात किया जाता है तो उस लीडर का नाम सबसे पहले आता है जिसके आप टीम में है, जिस लीडर के आप टीम में है मिस्टर पारसनाथ उरांव। ऐसे शानदार लीडर के टीम में अगर आप हैं तो आपके लिए ये सौभाग्य की बात है। और बाकी ये क्या है, ये कैसे है, ये सब आप जानते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा विरासत है ये। आज आपकी जोरदार तालियों के बीच, और तालियों के बीच क्या, मैं तो चाहूंगा कि हम सब एक बार खड़े होके अब जोरदार तालियों के बीच इनका स्वागत करेंगे। और आप सभी साथियों के सहयोग से शानदार जबरदस्त लीडर पारसनाथ उरांव, और हमें अपने शब्दों से सुपर एलेक्स ऑल लीडर्स। और आप सभी के बीच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज अभी तक आपने, मैं जो है चामघाटी में देखा था आप सभी के बीच में, अभी हम गोवा में उपस्थित हैं थोड़ा, ताकि आप सभी को जो है गोवा का कुछ सीन दिखा सकें। तो आप सभी जो है बहुत ही खुशनसीब हैं जो आप सभी हमारे बिजनेस में जो है अक्सर जुड़े रहते हैं, और मीटिंग्स फोराम में आज आप सभी लोग जो है काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते रहते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो आप लोग भी सीखते रहें, और जीवन में कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ नया चीज करते रहना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा देर आप सभी का ना लेते हुए मैं सीधा जो है आप सभी के बीच में एक प्रोग्राम जो हमारी शानदार आप सभी के बीच में लीडर ने ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी के बीच में दिया। सभी लीडर्स अपने आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपन बातों को रखे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को समझाने और बताने का प्रयास किए। तो सभी लीडर्स मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जिन्होंने शूटिंग स्टार अभी तक जो बने, जिन्होंने आज तक यहाँ पे जो आज उपलब्धि हासिल किए, इसका सबका मेन कारण एक ही चीज है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, तभी यहाँ पे काम पहुँचा है। जो भी शूटिंग स्टार आज तक बने हैं उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जो है प्लानिंग करना पड़ता है, तभी जाके वो शूटिंग स्टार बनते हैं। तो आज जो आपने शूटिंग स्टार देखे, जो लोग शूटिंग स्टार में अभी तक यहाँ पर पहुँचे, वो काफ़ी शानदार तरीके से मेहनत करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके लिए कम से कम 4 चीज़ें तो लाइफ में होना ही चाहिए।
जो लोग भी शूटिंग स्टार वेगा स्टार यहाँ तक पहुंचे या मैं यहाँ तक पहुंचा, मेरी जो खास बात रही मैंने जिसके वजह से यहाँ तक पहुंचा वो चार चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अगर आप भी यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूर आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कहते हैं ना कि अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हम बार बार एक बात बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है तो वेल्थ भी बढ़िया होगा, और वेल्थ बढ़िया होगा तो सपने बड़े हैं तो उसको बड़े तरीके से सजा सकते हैं। तो सपने अगर बड़े हैं तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, और उसके लिए चार पॉइंट हैं। रोज काम करने की आदत एक बार डालना होगा, रोज सीखना होगा, दिन में सोना एक बुरी आदत है इसको हटाना होगा, दूसरों की निंदा करना और बुराई करना इन सारे चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जीवन में जो लोग भी कामयाब होते हैं ना उनमें इन कहीं ना कहीं ये गुण है। एक तो पहला जैसे कि हमने बताया रोज काम करने की आदत, रोज काम करने की आदत बनाना पड़ेगा। अब रोज काम करने की आदत कैसे बनेगा, सबसे बड़ा चीज देखिए मेरे दोस्तों, मैं एक दिन जो है ना मेरे सपने में मैं ये सोच रहा था कि हम जो इतने टीम के लिए करते हैं मैं क्यों ऐसा करता हूं। तो मेरे को सपने में एक दिन अपने आप में रियलाइज हो रहा था कि मैं दशहरा का जब मेला देखने गया था, दशहरा का जब मेला में देखने गया था तो मेरा बच्चा उस टाइम बहुत छोटा था, तो उस टाइम जब वो देख नहीं पा रहा था तो मैं उसको कंधे में लेकर के उसे जो है कंधे में बैठा करके उसे दिखा रहा था, कंधे में बैठा करके उसे मैं दिखा रहा था। और जब मैं उसे दिखा रहा था तो बाद में मुझे एक बात फीलिंग हुआ कि मैं कंधे में बैठा करके इसे क्यों दिखा रहा हूं। मेरे दोस्तों मेरे को एक ही चीज फीलिंग हुआ कि मेरे पिताजी ने भी जब मैं बच्चा था उस टाइम मुझे कंधे में बैठा करके मुझे मेला में जब भीड़ भाड़ होती थी तो दिखाते थे, और इसलिए दिखाते थे कि मेरे पिताजी का सपना था कि बेटा मैं जो देख नहीं पा रहा हूं ना उसे तुम देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें कंधे में बैठा रहा हूं, जो मैं नहीं देख सकता हूं ना वो भी तू कंधे में बैठ के मेरे से ज्यादा देख सकते हो। मेरे पिताजी ने कंधे में बैठ के मेरे को सपने जो उन्होंने नहीं देखा वो मुझे दिखाया। यही चीज एक सीनियर जो होता है इसलिए लगातार मेहनत करता है, और बाप इसलिए लगातार मेहनत करता है, और बेटा को इसलिए कंधा में बैठा के भीड़ में भी वो दिखाता है ताकि बाप जो नहीं देखा है वो बेटा उसे ज्यादा दूरदृष्टि और अपने सपनों को बड़ा कर सके, वो उस चीज को देख सके, इसलिए कंधे में बैठा कर अपने बेटे को जो है लोग दिखाता है कि बाप ने जो नहीं देखा है वो बेटा देख सके। और मेरे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ऐसे ही सोच रखना पड़ेगा कि जीवन में हमारे उन तमाम लीडर्स जो एलेक्स में हैं जो आपने नहीं देखा है वो चीज भी हम उन लोगों को दिखाएंगे जो एलेक्स में आपके साथ जुड़े हैं, और आपके साथ जो सपनों को साकार करने के लिए आपके कदम से कदम मिलाकर आए हैं। इसके लिए रोज काम करने की आदत डालना पड़ेगा। बाप जो है बेटा को हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि जो सपने वो नहीं देखा है बेटा को हमेशा वो दिखाता है, हजार गलतियां करता है। आपको सीनियर एक बार पूछ, आपका जूनियर एक बार पूछता है कि सर इसको बताइए तो आप चिढ़ जाते हैं। आपको जो है कोई आपको बोलता है कि सर ये वाला आपको पूछे थे बताए नहीं तो आप चिढ़ जाते हैं। लेकिन मैं अपने पिताजी को जब पूछता था कि पापा ये वाला पक्षी जो है हमारा घर के आंगन में एक लीची पेड़ है वहां पे बचपन में आता था, तो मैं पूछता था ये कौन सा पक्षी है, अरे चिड़िया है छोड़ो ना, और मुस्कुरा के जवाब देता था। और फिर थोड़ा देर बाद फिर पूछते थे पापा बताओ ना ये कौन सा पक्षी है, मैना है मैना। फिर थोड़ा देर बाद
फिर पूछते थे ये गमायना अभी तक क्यों है, अरे जो देखो ना वो अपना काम में लगा होगा, फिर पूछते अच्छा पिता पिताजी बताई ना ये कौन सा पक्षी है, तो फिर बोलता था मैना, एक बार भी ये नहीं बोलता था कि तुमको बताए ना, बार बार क्यों पूछता है, एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि वो हर बार मुस्कुरा के हर बार हंस के जवाब देता था मैना है, चिड़िया है और अपना काम पे लगा हुआ है, क्योंकि बाप को पता है कि मेरा बेटा का विजन बहुत बड़ा है, इसलिए वो चिढ़ता नहीं है। और यही चीज जब बेटा बड़ा हो जाता है और बाप जब उसे दिखाई नहीं देता है और उसे जब पूछता है ये वाला क्या है, एक बार पूछा तो बोलता है नहीं दिखाई दे रहा है, बूढ़ा हो गया है क्या, आंखों में भी कमजोरी पड़ गया है क्या, आंख नहीं दिखाई दे रहा है। वही बाप को बेटा जब बचपन में बोलता था पिताजी ये कौन सा पक्षी है, एक बार नहीं 10 बार पूछा लेकिन फिर भी हंस के जवाब दिया। लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है और बाप जब पूछता है तो बेटा चिढ़ जाता है, इसलिए एक सफल बाप नहीं बन पाता है। अगर लाइफ में ऐसे ही कई बाप हैं जो बेटों को कोई अच्छे मुस्कुराहट बातों से अपने जीवन में हर चीज बताते रहते हैं, और जो व्यक्ति जीवन को मुस्कुराते हुए बताते हैं वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आम जिंदगी से हटकर जब एलेक्स के जीवन में भी ऐसे ही कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए 1000 बार पूछता है और उसके बाद भी जब अपने जूनियर को मुस्कुराते हुए उसका जवाब देता है, मुस्कुराते हुए किसी बीमारी के बारे बताता है, मुस्कुराते हुए समस्याओं का समाधान करता है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर और अच्छे बाप बनने का, एक अच्छा लीडरशिप का वो संकेत देता है, और ऐसा ही लीडर कामयाब और ऐसा ही बाप कामयाब और कमाने वाला बनता है। तो आज आप सभी के लिए इसके लिए रोज काम करना सीखना पड़ेगा और मुस्कुराते हुए रोज आदर डालना पड़ेगा, चाहे वो 1000 बार कोई पूछे, चाहे 1000 बार करना पड़े, मुस्कुराते हुए करना पड़ेगा और ये काम करने की आदत में डालना होगा। दूसरा, हमारे लाइफ में सीखने की आदत लगातार लगातार कितना भी जाने लेकिन रोज सीखने का प्रयास करें। जो व्यक्ति लगातार सीखता है, जो व्यक्ति लगातार सुनता है, वही व्यक्ति सुनाता भी है और जो सीखता वही व्यक्ति सिखाता भी है। आज मैं लगातार सीखा तो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके और नए नए सिस्टम से सिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं सीखा तो आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप सीखेंगे तो लोगों को सिखाएंगे, लगातार सीखना पड़ेगा। और तीसरा, जो इम्पोर्टेंट और सबसे मजेदार बात, जो जीवन में लगातार जो कामयाब हुए हैं वो रात में सोए हैं और सपने दिन में देखे हैं और रात में देखे हैं, उसको खुली आंखों से देखे हैं। जिन्होंने आंख बंद करके दिन में भी सो गया, रात को सोना था दिन में भी सो गया, व्यक्ति कामयाब नहीं है। चाणक्य ने कहा है एक श्लोक में कि जो व्यक्ति दिन में भी सोता है उसकी हस्र इस तरह से होती है, जैसे कि आपको मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा है दिन में सोना। दिन में सोना आलस की निशानी होती है। आलसी मनुष्य घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ कभी पूरी तरह से नहीं निभा सकता। दिन में सोने वाला आलसी के साथ साथ कामचोर भी बन जाता है। ऐसे मनुष्य को हर काम को टालने की आदत लग जाती है।
साथ ही देर तक सोना कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है, इसलिए दिन में सोने की आदत से बचना चाहिए। क्योंकि हमें दिन में सोने की एक आदत होती है और दिन में सोने से हमारे जीवन में बीमारी तो बढ़ती है, हम कई ऐसे चीजों को खो देते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि दिन में सोना हराम की कमाई के समान है, खुली आंखों से सपने देखो, रात में भी सोना है लेकिन सपने खोल के देखो तो अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए दिन में सोना बंद और काम करने की आदत डालना, क्योंकि पैसे जो होता है ना, वो कहावत है कि हम पैसा के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पीछे आएगा। और मैंने एक बात और हमेशा ये बात कहा है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि पैसा आपके पीछे भागे, आप पैसों के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागे। इसके लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, जीवन में पैसा तब आपके पीछे भागती है, लक्ष्मी तब आपके पीछे आती है जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की निंदा बंद करते हैं। कहा जाता है अगर आप किसी की निंदा करते हैं इसका मतलब वो निंदा आपके अंदर है। अगर आप किसी लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते, दूसरों का आप सम्मान नहीं करते, तो इसका मतलब लक्ष्मी की आप निंदा कर रहे हैं, इसलिए पैसा आपके पीछे नहीं आती। और किसी ने कहा है कि जो दूसरों का अनादर करते हैं उसको पैसा नहीं मिलता, उसको लक्ष्मी नहीं आती। चौथी है दूसरे की निंदा। निंदा करना मतलब दूसरों के कामों में दोष ढूंढना, दूसरों की बुराई करना कई लोगों की आदत बन चुकी है। हर मनुष्य दूसरे में कोई ना कोई दोष ढूंढता रहता है। दूसरों की निंदा करने से दूसरों का ही नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। निंदा से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों के सामने किसी को बुरा साबित करने के लिए चोरी, हिंसा जैसे काम करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इस आदत को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। वो व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि मेरे दोस्तों, जीवन में जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वो चोरी हिंसा इसलिए करता है क्योंकि नेचर में वो शामिल हो जाता है। जीवन में अगर चोरी से बचना है, जीवन में अगर आप कामयाब होने वाले हैं तो आपको निंदा करना बंद करना पड़ेगा। अगर आपको हिंसा से बचना है तो दूसरों की निंदा करना बंद करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको दूसरों की तारीफ करना पड़ेगा, दूसरों की आपकी आलोचना से बचना पड़ेगा, तो आप कामयाब होंगे और एक कमाने वाला लीडर बनेंगे। तो चार चीजें लाइफ में हमने अपने आप को बदला और आज यहाँ पे हूँ और आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। जब आप दूसरों की निंदा करना बंद करेंगे, जब आप लगातार सीखते रहेंगे, जब लगातार आप काम करने की आदत डालेंगे और जब लगातार आप सीखते रहेंगे तो आप एक कामयाब और कमाने वाला लीडर बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, जीवन में अगर कामयाब होना है तो जूम मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लाइफ में लगातार आगे बढ़ेंगे और कामयाब भी होंगे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी को एक शानदार और जानदार तरीके से काम के माध्यम से कामयाब और कमाने वाला लीडर हम बनाना चाहते हैं। और इसी सेशन में कल हम सभी के बीच में हमारी कंपनी के MD मिस्टर यशवीर जी आप सभी के बीच में उपलब्ध होंगे। कल जो हमारा सेशन होगा, ग्रेट MD मिस्टर यशवीर जी होंगे जिनको देखकर हम काफी इम्प्रेस होते हैं। आज हमारी कंपनी के MD जिन्होंने इस कंपनी को बनाने के पहले कई सपने बुने, उन्होंने हमारे एसोसिएट को काम करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, प्रोडक्ट की दिक्कत ना हो, उसने इसलिए कंपनी का सबसे पहले नींव इतना मजबूत कर दिया कि आपको कोई उंगली उठाए उससे पहले उनकी उंगली तोड़ दें। इसलिए आज कंपनी ने एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें आज खुद की मैन्युफैक्चर यूनिट है। आपकी कंपनी दो दो फैक्ट्री के बाद आज दिल्ली में वेयर हाउस कंप्लीट कर लिया। कंपनी ने आज रेवाड़ी में अपना बहुत बड़ा सेंट्रल ऑफिस के साथ मैन्युफैक्चर यूनिट बना रही है
और आज आपकी कंपनी नए नए प्रोडक्ट का रोज शुभारंभ कर रही है, लॉन्चिंग कर रही है और 8 जून को पूरा दुनिया देखेगी ऐसा आपकी कंपनी करने जा रही है और ई कॉमर्स के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान में आप 1 करोड़पति बनने का सपना को पूरा कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को कल आपके बीच में हमारा ग्रेट एमडी यशवीर जी आप सभी के बीच में आएंगे और आप सभी को एक जबरदस्त सेशन के बारे आपको बताएंगे कि कैसे आप कम समय में लाखपति और करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आपको टाइम दे दिया जाएगा। आप सभी लोग एक ऐसे एमडी जिसके माध्यम मैं आज एक कंपनी में जहां 3.5 लाख कमा रहा था उस अपने पे आउट को भी छोड़ के आज एलेक्स जैसी कंपनी में आज कदम रखा, कहीं ना कहीं उस एमडी का बातों को और कंपनी का विजन को देख के आया और आज मैं यहां पे जहां पे मैंने 4 साल करने के बाद जहां 3.5 लाख के पे आउट में मैंने पहुंचा था, आज एलेक्स में आने के बाद मैंने जहां 4 साल में 3.5-4 लाख में पहुंचा था एलेक्स में, आप सभी को पता है कि मैंने एलेक्स में पहली इनकम 1,02,000, दूसरी इनकम 1,85,000, तीसरी इनकम 4,22,000, चौथी इनकम महीना की आपका 4,57,000, पांचवी इनकम महीना की मेरी 5,22,000 थी। जी हाँ दोस्तों, जहां 5 साल में 4,05,000 कमाते हैं वहां मैंने एलेक्स में 5 साल में 5,22,000 मेरा 5वां महीना का इनकम था। तो ये हमने एक रिकॉर्ड बनाया था, ये एलेक्स की पावर है। तो मेरे दोस्तों आज आप भी ऐसे कामयाब और कमाने वाला लीडर बन सकते हैं। इसके लिए जो मीटिंग में लगातार आके सीखते रहे हमारे जितने ERS जितने SM हैं उनको आज कोरोना फंड मिलने वाला है। आज उसके लिए हमारी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्टॉक बढ़ाएंगे तो उनकी जो है आज बहुत सारे अपग्रेड होने वाली प्रोडक्ट का जिसमें बहुत ही शानदार इनकम लेने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों अगर जीवन में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपना किस्मत बदलना चाहता है तो एलेक्स उसके लिए जन्म हुआ है। कहते हैं ना कि कश्ती और तूफान से गुजर सकता है और मौत आकर भी टल सकता है, कश्ती और तूफान से गुजर सकता है मौत आकर भी टल सकता है, लेकिन जिन्होंने कभी ठोकर खाए हैं, जिनका कभी किस्मत खराब हुआ है, मेरे दोस्तों एलेक्स का दामन इसलिए थामा है शायद उसका किस्मत पलटने वाला है। तो इसलिए मेरे दोस्त मैं आपसे यही कहूंगा कि जीवन में अगर आज तक कामयाब नहीं हुए हैं तो आप डटे रहें, लगातार चलते रहें। जीवन में जिन्होंने आज तक धुतकारा है आपको, जिन्होंने आज तक जीवन में आपको कहा है कुछ नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति एक दिन मैं गारंटी कहता हूं कि आपको झुक के सलाम करेगा। जिस दिन आपके पास कार होगा मैं गारंटी करता हूं जिन्होंने आपको आज तक टोका नहीं है, बातें नहीं किया, वो भी आपको एक दिन सलाम ठोकेगा। बस एलेक्स में चलते रहिए और इसलिए जाते जाते कहेंगे दाद देती है गर्दी से दौरा, जिंदगी एहतराम करती है और चलने वाले राही एलेक्स को केवल ना छोड़े और शूटिंग स्टार तक कम से कम पहुंच जाए तो मंजिले झुके भी एक दिन आपको सलाम करेगी सुपर एलेक्स। और हम लोग फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और ये शानदार रहा। आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें और एक बार जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए। आज हमारा जो सेशन था ये बड़ा ही शानदार रहा। लीडर्स।
तो आज हमारे बीच में सभी लीडर्स का हम वेलकम और धन्यवाद करते हैं और कल फिर से मिलते हैं। तो इस मीटिंग का समापन हमारे एंकर हमारे जो है पवन जी करेंगे। थैंक यू सुपर एलेक्स। थैंक यू सर। थैंक यू एक बार सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मीटिंग का शेड्यूल आपको पारस सर की तरफ से मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एलेक्स में रहें और एलेक्स के लिए हमेशा तत्पर रहें, अपने जीवन को बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू सुपर एलेक्स। और पवन सर आपने भी जो है आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार बनाया, इसके लिए हम सारे मतलब जो है एलेक्सियम की तरफ से जो है आपको भी ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद सर।